यस, गुड आफ्टरनून एवरीवन. गुड आफ्टरनून, नॉट गुड आफ्टरनून, सॉरी, गुड गुड इवनिंग. गुड इवनिंग सबको, वेरी वेरी गुड इवनिंग. ये गुड आफ्टरनून, गुड मॉर्निंग और गुड इवनिंग कंफ्यूज किया रहता है. गुड इवनिंग, गुड इवनिंग. मैं ठीक हूँ, खुश रहिए, खुश रहिए मोहन. वेरी वेरी गुड इवनिंग सबको, वेरी वेरी गुड इवनिंग. SSC का कैलेंडर आ गया, बहुत अच्छी बात है. दिस वॉज अ हाईली अवेटेड न्यूज, जिसको हम लोग बहुत दिनों से वेट कर रहे थे. जो लग रहा था दिसंबर लास्ट में आएगा या तो जनवरी में आएगा, बट इन्होंने टाइम से निकाल दिया, बहुत अच्छी बात है. और आप लोग भी वेट कर रहे थे, कैलेंडर का वेट ही हो रहा था ये. लव यू, लव यू मधु. हाँ, जल्दी कर दिया, अच्छी बात है. एक SSC का हमेशा एक पहले, इधर तो 2 साल से डिस्टर्ब हो गया था कोरोना की वजह से, लेकिन अप्रैल में हमेशा SSC एग्जाम लेता था. अप्रैल में जून, और जून जुलाई में, अप्रैल में एग्जाम लेके जून लास्ट में या जुलाई में मेंस हो जाता था, मेंस हो जाता था. इस बार तो इधर उधर हो जाता था, क्योंकि प्री और मेंस में ना पहले 1.5 महीने का गैप रखते थे, मैक्सिमम 1.5 से 2 महीने. इधर तो डिस्टर्ब हो गया था बहुत. गुड इवनिंग, गुड इवनिंग सबको, वेरी वेरी. डर लग रहा है? अच्छा, बहुत डर लग रहा है, अभी जाके डर लग रहा है. तो चलो, अब पहले तो थोड़ी बात कर लेते हैं. SSC का आई थिंक क्या दिया, 22nd, क्या दिया, अप्रैल 22nd डेट दिया है. अप्रैल 22nd है, 22nd है. CGL प्री का दिया है, ठीक है. CGL प्री का अभी मैंने पूरा देखा नहीं, 22nd. और CHSL का दिया है मई, मई क्या है, मई 22nd. अच्छा, ये CHSL है. अरे ये दोनों कुछ भी हो, तैयारी तो दोनों की एक ही है, तैयारी तो दोनों की एक ही है. हाँ, 2020 तो ये 2022 में होगा, बट ये एग्जाम कब का है? एग्जाम तो 2021 वाला है, 2021 वाला एग्जाम है जो जाके 22 में हो रहा है. मौज कर दी है स्टेनो ने. हाँ, 2020, हाँ चलो ठीक. स्टेनो कब है, अभी मैं अच्छे से देखूंगी, अभी सब मैं अच्छे से देखूंगी. अभी देखा नहीं है, बस मैंने CGL का देख लिया और CHSL का देखा था. CPO लेट है, मुझसे क्यों पूछ रहे हो, ऐसे हुआ? CPO लेट हुआ है, मुझसे क्यों पूछ रहे हो? ओके, मैंने थोड़ी स्केड्यूल बनाया है. अब चलो 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 स्टार्ट किया. हाँ, CAPF. एग्जाम का डेट क्या है, एग्जाम का डेट क्या दिया है? 22nd अप्रैल है ना अगले साल. हाँ, नहीं, दिया है अप्रैल तो डेट इन्होंने दिया ही है, अप्रैल तो डेट दिया है. हाँ, और CHSL का 22nd मई को दिया है. अच्छा, अप्रैल है, बस अप्रैल दिया है. ओहो, डेट नहीं दिया है. अच्छा, डेट नहीं दिया है, सिर्फ अप्रैल दिया है. ओके ओके, डेट नहीं दिया है ना, अप्रैल और मई में दिया है. तो मान के चलो ना, एकदम मान के पक्का चलो, क्योंकि उनका टेंटेटिव, भले मेंस में देर कर दे, बट उनका टेंटेटिव ही मान के चलो असली है, असली है. एकदम मान के चलना है कि असली है अप्रैल वाला. पता नहीं क्या है मुझे, वही तो मैं बोल रही हूँ ना, डेट दिया है, डेट नहीं, मुझे कंफ्यूज कर रहे हैं सब. चलो छोड़ो, दिया है, वही तो मुझे लग रहा था कि शायद मैंने गलत देख लिया है क्या. 22nd दिया है उसने, 22nd डेट है, 22nd अप्रैल मैंने कहीं देखा था. वो तो मैंने पूरा अभी पढ़ा नहीं है, कैलेंडर को देखूंगी. अरे चलो कोई बात नहीं, अगले साल एग्जाम होगा, इतना तो कंफर्म है ना कि CET नहीं है, इतना तो कंफर्म है. डेट दिया है, मुझे पता है डेट दिया है, लेकिन खुश करने के लिए बोल देती हूँ नहीं दिया है, नहीं दिया है. ये मान के चलेंगे ना कि 2022 में कभी भी हो सकता है, दिसंबर, रजत मान के चल रहे हैं, 2022 में दिसंबर में भी हो सकता है. अभी बहुत टाइम है, 1 साल है, आराम से करेंगे CET का. हाँ, इतना तो कंफर्म हो गया है कि CET अभी नहीं होगा, तो आराम से रहो. एक और चांस मिल गया है आपको, ठीक है, एक और चांस मिल गया जो CET से परेशान है कि अगर बैंकिंग भी आ गया तो पेपर क्या होगा क्या नहीं. और सबसे अच्छा चांस है स्टेनो वाले बच्चे जो मैथ्स से भागते हैं, तो अभी एक और चांस आपको मिल गया है. स्टेनो में मैथ्स नहीं है, हो सकता है CET आता तो मैथ्स इंक्लूडेड हो जाता, CET आता तो मैथ्स भी जुड़ जाता, लेकिन एक चांस आपको और मिल गया है, ठीक है. स्टेनो लेट से दिया है, चलो जो भी कुछ भी दिया है ना, और बहुत अच्छी बात है. हम लोगों का बैच भी बहुत टाइम से शुरू हुआ है, हम लोगों का बैच जो 13 दिसंबर से स्टार्ट हुआ है. मैं प्री की बात करूं, मेंस वाले का तो कोई दिक्कत नहीं, मेंस तो टाइम से अपना होगा, बहुत टाइम से स्टार्ट हुआ है. ये मुझे बहुत खुशी हुई ना, ये बैच बहुत टाइम से स्टार्ट हुआ है, ग्रामर का और वोकैब का. और ये बैच एकदम, मैं कोशिश करूंगी इसको 10 फरवरी तक खत्म करने की, 10 से 15 फरवरी तक खत्म होगा. एक बार ये 10 से 15 फरवरी तक खत्म हो जाए. चलो लेट, कौन है जो लेट स्टार्ट कर रहा है कुछ, मैं बोल रही हूँ लेट स्टार्ट, लेट स्टार्ट. इतना भी ज्यादा ना शैम अफेक्शन और शो ऑफ नहीं करना है, इतना भी ज्यादा ना दिखावा नहीं करना है पढ़ने का, शो ऑफ. लेट स्टार्ट, लेट स्टार्ट.
अभी थोड़ा सा इधर उधर की बातें करने लगू ना कि ये क्लोजेस्ट तो अटेंशन सीकर गर्लफ्रेंड है, PQRS क्रश है, ये सब बातें करने लगू तब नहीं बोलोगे लेट्स स्टार्ट, कोई नहीं बोलेगा। पहले मेरी बात तो सुन लो, ग्रामर ग्रामर और वो क्या 10 फरवरी तक खत्म होगा, और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, अप्रैल में हमारा एग्जाम होगा, उसके बाद हम लोग का प्रैक्टिस बैच शुरू होगा। क्योंकि पढ़ने के बाद बिना ये बैच के लिए हमें 2 मंथ्स तो मिल ही जाएगा, 2 या 1.5 मंथ, अगर अप्रैल लास्ट ही में आएगा, जब उसके बाद जम के प्रैक्टिस होगी वो क्या और ग्रामर की, उसके बाद आप अपने प्री के लिए बैठोगे। और PQRS तो चलता ही है, PQRS तो हमेशा एक ऐसा रेस्टोरेंट है ना जहाँ पे छोले भटूरे, कोई भी रेस्टोरेंट में जाओगे छोले भटूरे हमेशा अवेलेबल रहता है, तो उसी तरह PQRS है, PQRS और पैसेज वाला वो तो हमेशा अवेलेबल रहेगा। उसके बाद तो फिर मेंस के लिए टाइम है। ओके हाँ, तो गली नुक्कड़ सब जगह अवेलेबल है। चलिए अब स्टार्ट किया जाए। प्री में पैसेज, हाँ प्री में पैसेज नहीं आता है, लेकिन मेंस में तो असली खेल पैसेज का है, तो ये मत सोचना प्री में क्लोज टेस्ट आता है ना, लेकिन पैसेज करते रहोगे ना तो मेंस में एकदम आपका पैसेज एकदम फुल मार्क्स वाला हो जाएगा, क्योंकि प्री के बाद मेंस के बीच में इतना जल्दी पैसेज इंप्रूव नहीं होता। ओके लेट्स स्टार्ट, लेट्स स्टार्ट। ऑगमेंट, ऑगमेंट कर लिया था हमने, ऑगमेंट मशरूम बर्दियोन ये सब कर लिया था। स्पोकन इंग्लिश वेसिद मुझे तुम क्या क्या, हाँ वर्ड पूछिए। चलो ऑगमेंट को कैसे याद रखोगे, रटवाना भी तो पड़ेगा, बेचारे के पास टाइम नहीं है। ऑगमेंट, ऑगमेंट वर्ड को कैसे याद करना, अगस्त मंथ से, अगस्त मंथ में बारिश होती है इसलिए नदी का पानी बढ़ जाता है, तो ऑगमेंट इंक्रीज, इंक्रीज ऑगमेंट का। और एम्पलीफाई भी बताया, वर्ड्स बोलते जाओ, वर्ड्स बोलते जाओ, साउंड में एम्पलीफायर होता है। अग्रेंडाइज, अग्रेंडाइज मतलब भी किसी चीज को भव्य करके बताना। एस्केलेट, एस्केलेटर पे चढ़ते हो, कोई भी चीज इंक्रीज करना। एली, एलिवेट। बर्जियन को कैसे याद रखोगे, बर्जियन को एनहैंस, एनहैंस स्काई रॉकेट, स्काई रॉकेट कॉपी खुला है बहुत अच्छी बात है। मशरूम कैसे याद रखोगे तीनों को, बर्गर, बर्जियन बर्गर, बर्गर बर्गर खाने से वेट बढ़ जाता है। मैग्नीफाई, हाँ मैग्नीफाई भी कर सकते हो, मैग्नीफाई, मैग्नीफाइंग ग्लास किस लिए यूज करते हो, छोटी चीजों को बड़ा करके, इन साइज को इंक्रीज करके देखते हो, इंक्रीज कर। स्काई रॉकेट मतलब एकदम हाई, रॉकेट हाई जाता है। मशरूम का पेड़ ना बिना केयर के तेजी से फैलता है। माउंटिंग, वेरी गुड, माउंटिंग का मतलब भी होता है तेजी से सोर करना, एक सोर का मतलब घाव भी होता है, सोर फिट हो जाना, और एक तेजी से आगे बढ़ना। सर्ज, सर्ज का मतलब भी आगे बढ़ना। फिर और बताओ, प्रॉपअप, प्रॉपअप का मतलब भी चीज आगे बढ़ना। क्रिसेंडो, क्रिस पार्ले, पार्ले को कैसे याद करोगे, दो पार्ले होता है, एक ये वाला पार्ले है, एक ये वाला पार्ले है, और एक ये वाला पार्ले है, कैसे याद करोगे इसको, इसमें ई लगा है तो पार्ले जी होता है ना, पार्ले जी में भी ई लगता है। सब लोग एक साथ बैठकर डिस्कस करके पार्ले जी बिस्किट का निर्माण हुआ, पार्ले जी बिस्किट बनाया गया, और ये पार्ले, और जब बिस्किट एक बार पार्ले जी बना ना तो पार्ले हो गया। ले, ले, लेस का चिप्स और पार्ले का बिस्किट्स का सेल सबसे ज्यादा है। ले, ले से याद रखना, ले, लेस का चिप्स होता है ना, लेस चिप्स बहुत खाते हैं लोग, पार्ले जी भी खाते हैं, और ये एल ई वाला पार्ले में ई, डिस्कशन याद रख। क्रिसेंडो, वेरी गुड, क्रिसेंडो का कैसे याद करवाया था, क्रिसेंडो का मतलब होता है क्रिसेंट मून, मून का साइज धीरे धीरे बढ़ता है, और मून का साइज धीरे धीरे छोटा होता है, उसको क्या बोलते हैं, वेनिंग, वेनिंग बोलते हैं। प्रोलिफरेट बताया था, लाइफ का रेट बढ़ जाएगा, लाइफ का रेट बढ़ जाएगा, अच्छे से खाना पीना प्रो रहोगे, खाना पीना खाओगे, लाइफ का रेट बढ़ जाएगा। एक्सपेडाइट, वेरी गुड, एक्सेलरेट, एक्सेलरेट करना मतलब एक्सेलरेटर से गाड़ी का स्पीड बढ़ाया जाता है, रॉकेट में प्रोपेलेंट डाला जाता है उसका स्पीड बढ़ाने के लिए, एक्सपेडाइट। एक्सपेडाइट कैसे याद रखोगे, अरे सोर का स्पेलिंग अमरेंद्र ये है, ये वाला सोर है, ये सोर तो खट्टा वाला हो गया, खट्टा वाला। एक्सपेडाइट को कैसे याद रखोगे, ऐसे याद रखोगे एक्सपेडाइट, एक्स्ट्रा डाइट लो, पेडी, पेडी, पीडियाश्योर, पीडियाश्योर पियोगे तो आपकी हाइट तेजी से बढ़ेगी। पेडी का मतलब होता है पेडी, पैर, पैर आगे आगे बढ़ा रहा है, तेजी से आगे बढ़ रहा है, एक्स पेड़ पे चढ़ गई। हाँ किसी की एक्स भी पेड़ पे चढ़ गई तो उसका ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो गया था, ऐसा कुछ आया, उसकी एक्स पेड़ पे चढ़ गई, ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो। और ये वाला तो चलो ठीक है, कोई भी चीज को कहाँ चला गया, इंटेंसिफाई, सब वर्ड कवर ही हो गया कम से कम। कोई भी चीज को डिक्रीज करना, डिक्रीज करने का तो कुछ नहीं है, वेनिंग मून याद रखना, बाकी तो पता है। एक तो डिक्लाइन का मतलब रिजेक्ट करना भी होता है, और एक डिक्लाइन का मतलब होता है कम होना, कम होना। अब देखो कौन कौन सा वर्ड याद रखोगे, टेपर, हाँ स्नोबॉल इफेक्ट, वेरी गुड, वेरी गुड, रुको रुको, ये सब तो याद रहेगा। एब्रीविएशन से चीज को छोटा करते हो। ड्विंडल कैसे याद रखोगे, अगर एग्जाम में ड्विंडल आ गया कैसे याद रखोगे, ड्विंडल, विंड, विंड कम पड़ेगा, विंड, विंड, हवा, हवा कम हो गया, हवा कम हो गया।
और डिक्लाइन तो पता, वेनिंग बता दिया है। अबेट, अबेट कैसे याद करोगे? अबेट एक होता है, अबट एक होता है, रिबट। आ बेटे बिजनेस में मेरी हेल्प कर ताकि मेरा बर्डन कम हो जाए। और ये अबेट, अबेट बेट लगाना, बेट बाजी लगा लगा कर किसी को उकसाना। अबेट करना मतलब गलत काम के लिए किसी को उकसाना, प्रवोक करना, एनकरेज करना, बट गलत काम के लिए, गलत काम। ये अबट का मतलब क्या बताया था? एडजॉइनिंग, पास, लगा हुआ, सटा। और ये एक रिबट, रिबट का मतलब होता है रिफ्यूज करना, नकारना, मना करना, मना करना। और सब साइड, आपको दवा दिया गया और आपका पेन साइड हो गया, बोले ना साइड हो गया, आपका पेन कम हो गया साइड। एब भी बताया था, श्रिंक, सिकुड़ जाना, मिट्टी डालकर गुस्से को शांत कर दिया, कम कर दिया। रिसीड, प्रोसीड में आगे बढ़ना, रिसीड कम होना। तन्नू, तुम क्यों इतना कम खाती हो, तुम वीक हो गई हो। डेप्रिशिएशन तो पता है। टेपर, टेपर का मतलब है धीरे धीरे पतला होते जाना। ट्रंकेट, ओके, ट्रम्प, ट्रम्प का पावर कम हो गया है, कम खाओगे तो वीक पड़ जाओगे, जैसे तनु कम खाती है। आ बेटे अब चलो ठीक। रिबट, रिबट इज मना कर देना, डिनाई कर देना, नकार देना। और ये सब तो हो ही गया था, एरियोडाइट भी हो गया था। चलो एरियोडाइट का कुछ वर्ड बता दो, क्योंकि पढ़ाते जाने से ना आपका होने वाला नहीं है। एरियोडाइट, एरियोडाइट को कैसे याद करोगे? एरियोडाइट वर्ड आ गया, एरियोडाइट का मतलब होता है विद्वान। इस वर्ड को याद कैसे करोगे? विद्वान कैसे याद करोगे? हाँ, नॉलेजेबल है, नॉलेजेबल है, लेकिन इस वर्ड को कैसे याद करोगे? एरोडाइट देखते साथ क्या आएगा? रूड, रूड। पढ़े लिखे लोग ना, विद्वान लोग रूड नहीं होते, बहुत विनम्र होते हैं। बोलते हैं ना, जो रियली में पढ़ा लिखा आदमी होता है वो कभी भी रूड नहीं होता, घमंडी नहीं होता है। नॉलेजेबल है, स्कॉलरली है, स्कॉलरली है। एग हेड है, एग हेड मतलब अंडा खाता है इसका। और ये ब्रेन का पार्ट से क्या बताया था? ब्रेनली है, ब्रेनली है, स्कॉलरली है, अकेडमिक है। अकेडमिक नॉलेज मतलब बुक वगैरह का ज्ञान जिसको बहुत है। सेरिबरल बताया था आपको, ब्रेन वाला। अकेडमिक है, बुकिश नॉलेज जिसको बहुत होती है, विद्वान, हाइब्रो लोग है। चलो ब्रिलियंट और वो सब तो कर ही लिया। लर्नेड है, लर्नेड पर्सन, इंटेलेक्चुअल है। अच्छा ये तो उसका है ना, बुकिश वगैरह सब है, सेरिबरल अकेडमिक हो गया। अरे ये तो इग्नोरेंट है, इग्नोरेंट लोग ना जिसको नॉलेज की कमी होती है, अनकल्चर्ड है, अनएजुकेटेड है, अनलेटर। जैसे अभी बताया था ना, ही इज अ मैन ऑफ लेटर्स, मैन ऑफ लेटर्स, एक लेटर्स का मतलब है बहुत विद्वान, और ये अनलेटर है। बी नाइटेड, नाइट में, बी नाइटेड, नाइट में पढ़ता लिखता नहीं है, जो नाइट में नहीं पढ़ेगा कहाँ से विद्वान बनेगा। चलो तो ये हो गया, ये हो गया, ब्लू स्टॉकिंग। अब आ जाओ एस्वेज, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। एस्वेज का मतलब है किसी को शांत करना, ठीक है, ब्रेस वाला अलग से उस समय कर लेंगे। हाँ, किसी को शांत करना, कोई गुस्से में है, किसी को शांत करना, ईज करना। लिख लो, कैसे याद रखोगे? किसी के आंसू को, आंसू, एसवेज को, आंसू को पोंछ रहे हो। किसी के आंसू पोंछना मतलब बेचारा रो रहा है, बहुत दुखी है, या बहुत गुस्से में है, बहुत दुखी है, गुस्से में है, रो रहा है, दुखी है, रो रहा है, शांत करना, शांत, शांत वर्ब है। एसवेज का मतलब है शांत करना। जिस बार, इस बार जिन बच्चों का प्री में, जो प्री तक मतलब जिनका प्री में अच्छा नहीं आ पाया है, वो एकदम जी जान लगा के लग जाइए, टाइम अब वेस्ट नहीं करना है। जिनका प्री में, हु कुड नॉट मेक अप, मेक इट टू प्री एग्जाम्स, जिसका कहीं ना कहीं रह गया है, एकदम लग जाइए, अब टाइम कम है। अगर आपको लग रहा है ना कि अप्रैल बहुत है, अप्रैल बहुत कम है, चुटकियों में, अब दिसंबर खत्म, जनवरी जब पढ़ने बैठोगे बहुत है, बहुत है, रिविजन में भी बहुत है, तो इस बार एकदम अच्छा से जो मेन्स दे रहे हैं, चलो ठीक है, मेन्स की तैयारी करेंगे अपना। हाँ, तो रजत लग जाइएगा, लग जाइए। ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जिनको अच्छे से तैयारी करना है, बहुत कम टाइम है। तो एसोवेज करना, शांत करना, ईज, ईज करने का मतलब भी है शांत करना, इजी कर देना, ईज। टीचर बोलते हैं ना, स्टैंड एट ईज, स्टैंड एट ईज का मतलब है कंफर्टेबल होके खड़े रहो, बहुत ज्यादा दुखी मत हो, आराम से रहो। ईज, मैंने आपके लिए काम इजी कर दिया, ईज करना, ठीक है। ग्रेटिफाई, ग्रेटिफाई कैसे याद रखोगे? ग्रेटिफाई को कैसे याद रखोगे? हाँ, तो ग्रेटिग्रेट है। अरे रुको, उसमें और भी मैं वर्ड डाल दूंगी, कुछ 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 कुछ, कुछ वर्ड्स उसमें ऐड होते जाएगा। पैलिएट, जो मैं लिख रही हूँ ना उसको अलग से लिखते जाना, कुछ कुछ वर्ड्स। प्रोपिशिएट, पैलिएट, सब वर्ड अलग अलग ऐड नहीं कर पाई थी। नहीं, कैसे? ग्रेटिफाई, अच्छा, ग्रेटिफाइड होना, ग्रेटफुल होना, ग्रेटफुल, ग्रेटफुल मतलब बहुत आभारी होना, आभारी हो जाना, शांत हो जाना। ग्रेटफ्लाई, ग्रेटिफाई का मतलब भी शांत, सेटिस्फाई हो जाना। ग्रेटिफाई और सेटिस्फाई एक जैसा है, शांत हो जाना। आपने ये वर्ड सुना है, ललाबाई? ये ललाबाई किसको बोलते हैं? ललाबाई हम इंग्लिश में लोरी को बोलते हैं, मतलब हिंदी में लोरी को बोलते हैं। लोरी, लोरी गाकर मदर क्या करती है? बच्चा रोता हुआ बच्चों को शांत करती है। लल्ला लल्ला वाला, लल्ला लल्ला लोरी, तो लल करना, शांत करना, बच्चों को सुनाया जाता है। आजकल के बच्चे चंदा मामा वाला नहीं सुनते हैं,
आजकल के बच्चे यूट्यूब वाला सुनते हैं, पहले वाले बच्चे ठीक थे। अपीस, अपीस का मतलब भी पीस, शांत करना, शांत करना, रिलीफ कर देना, ये तो पता है भाई। उसको रिलीफ मिला, रिलीफ दिया गया, उसको राहत दिया गया, उसके दुख दर्द को कम किया गया, एलिविएट किया गया। तो कंफ्यूज मत होना, एक ये वाला एलिवेट पढ़ना है ना अपने, ये एलिवेट, एलिवेट, ये एलिवेट किससे पढ़ा है आपने, एलिवेटर पढ़ा है। एलिवेटर मतलब लिफ्ट, ऊपर ले जाता है आपको, ऊपर एलिवेट होना, इंक्रीज होना। बट है ये एलिविएट, आपने पढ़ा होगा, एलिविएशन ऑफ पॉवर्टी, पॉवर्टी को खत्म करना, एलिविएट करना, खत्म करना पॉवर्टी को। तो एलिविएट का मतलब ही होता है कम करना, कम, ठीक है। किसी के दुख दर्द को एलिविएट करते हो, एलिविएट द पेन्स ऑफ अदर्स। तो ये बढ़ना, एलिवेट का मतलब इंक्रीज करना, और इसी का उल्टा एलिविएट, कम करना, कम करना, कम करना, रिलीव करना, अपीस करना। एले, एले कैसे याद रखोगे, एले, अल्लाह ने उसको शांत कर दिया। ये एले उस दिन कंफ्यूज हो गए थे। एक होता है ये अलाइज, ये अलाई का ही प्लूरल होता है अलाइज। ये अलाइज का मतलब होता है सपोर्टर्स, द बीजेपी एंड इट्स अलाइज, अलाइज, AIDES। AID का मतलब होता है एड, हेल्प, और ये हेल्पर्स होते हैं आपके, सपोर्टर्स, आपके सपोर्टर्स, आपके पार्टीसंस, पार्टी के सन, पार्टी के सन मतलब पार्टी के सन है, SAN, सपोर्टर है, सपोर्टर है, सपोर्टर्स, सपोर्टर्स, एलाइज, पार्टीसंस। और यहाँ अल्लाह ने शांत कर दिया, अल्लाह अल्लाह कर रहे थे तुम, अल्लाह, अल्लाह ने अल्लाह का नाम लिया, उसका सारा दुख दर्द कम हो गया। अल्लाह, जैसे भगवान का नाम लेते हैं, अल्लाह का नाम लेते हैं, तो सारा दुख दर्द कम हो जाता है, शांति शांति है, अल्लाह ने शांत कर दिया। प्लैकेट, ये तो मैंने वर्ड आपको रूट वर्ड में पहले भी करवाया, प्लैक, प्लैक और पैस, प्लैक और पैस का मतलब ही होता है, प्लैक का मतलब ही होता है शांत करना। पैसिफिक ओशन, प्रशांत महासागर, शांत कर रहा है आपको। ट्रैंक्विलाइजर, ट्रैंक्विलाइज, इसको दो नोट कर लेना आपको, मैंने ट्रैंक्विलाइजर नहीं पता होगा तो देखिए, डॉक्टर्स ट्रैंक्विलाइजर देते हैं जनरली, जो लोग हिंसक हो जाते हैं ना, जैसे पागलखाना, पागलखाना में जो लोग पागल होते हैं, या जिसको हिस्टीरिया की बीमारी होती है। हिस्टीरिया एक बीमारी है ना, जिसमें पर्सन को सडन वॉयलेंट अटैक आता है, सडन वॉयलेंट अटैक आता है, तो उसको ट्रैंक्विलाइज, उसको इंजेक्शन दिया जाता है, देखते हो, धीरे धीरे वो सो जाता है। ट्रैंक्विलाइज करके ना उसको सडेट कर दिया जाता है, सडेट करना मतलब शांत कर दिया जाता है, वो सो जाता है और शांत हो जाता है। सडेट कर देना, शांत कर देना उसको। सेडेटिव्स, सेडेटिव्स होता है ना, सेडेटिव्स आर स्लीप इंड्यूसिंग ड्रग्स, स्लीप इंड्यूसिंग मेडिसिन मतलब शांत करने। एनिमल्स को भी ट्रैंक्विलाइजर दिया जाता है, जानवरों को भी दिया जाता है शांत करने के लिए, स्लीप इंड्यूसिंग ड्रग्स आर सेडेटिव्स बोलते हैं। तो ये हो गया ट्रैंक्विलाइज। और कंसिलिएट, कंसिलिएट वर्ड कैसे याद रखोगे, आपने ये वर्ड सुना है, रिकंसिलिएशन, दोनों के बीच में रिकंसिलिएशन हो गया। रिकंसिलिएशन का मतलब है पैचअप हो गया, लड़ाई झगड़ा खत्म होके मेल मिलाप हो गया। तो इसी वर्ड से पुनः झगड़ा के बाद पुनः मेल मिलाप हो गया, इसी वर्ड से निकला है कंसिलिएट। अब आप मुझे बताओगे, और भी अच्छा अच्छा बताओगे, और अच्छा अच्छा मुझे बताओगे कि कंसिलिएट को कैसे याद रखोगे आप, कौन सा, कौन सी, कौन सी, ऐसा कुछ बताओ। अरे ये तो ठीक है, कैंसिल वॉर, काउंसिल मेंबर्स, अच्छा काउंसिल, ओके ओके, काउंसिल, काउंसिल से भी कर सकते हैं, काउंसिल मेंबर्स ने सबको शांत करवा दिया, काउंसिल, कंसल्ट करके शांत हो गया, बेचारा पहले बहुत परेशान था, कंसल्ट करके शांत हो गया, काउंसिल मेंबर्स ने कंसल्ट करके शांत हो गया, काउंसिलिंग मिला। आप कभी कभी बहुत परेशान हो जाते हो ना, तो आप काउंसिलिंग के लिए जाते हो, और उसके बाद आपका दिमाग शांत हो जाता है। कहाँ पे मैच कैंसिल हुआ है भाई, मैच कंसिलिएट हो गया। मिट्टी डालकर, अपने झगड़े पे मिट्टी डालो, मिट्टी का, मिट्टी डालकर शांत कर दिया, शांत कर दिया। अब 14th वर्ड पे याद रखो, प्रोपिशिएट, ये सब वर्ड आते हैं, प्रोपिशिएट। और 15 डालो पैलिएट, पैलिएट कैसे याद रखोगे बताओ, सील कर दिया, पैलिएट, पैलिएट के वर्ड कैसे याद रखोगे। सूद भी करो, मैंने वो तो नहीं डाला इसलिए सबको पता है, किसी को सूद करना, काम डाउन करना, काम डाउन का मतलब ये जो मैं वर्ड लिख रही हूँ एकदम लिखते जाइएगा, लिखते जाइएगा, काम डाउन करना, शांत करना, काम डाउन करना, सूद करना, SOOTH, सूद करना, मैं ऐड कर दूंगी, ये इजी वर्ड था इसलिए नहीं डाला मैंने। मॉलिफाई करना, ये कहीं पे और होगा इसका ना, जरूर कहीं पे और होगा। प्रोपिशिएट करना, फेवरेबल काम बना दिया, ये जरूर पीछे एक और आया होगा जहां पे मैंने 89 वाले में था ना, उसी लिए। पैम्पर नहीं है, पैम्पर करना तो अलग, पैम्पर करना अच्छी बात नहीं है। मॉलिफाई करना, ट्रैंक्विलाइज करना,
89 वाले में था ये। अच्छा रुको रुको, यहाँ पे सब डाल रही हूँ, सब डाल रही हूँ, लिख लेना है। कॉपी किस लिए रखे हो, उसमें ऐड होते जाएगा। पहले तो मुझे बताओ कि पैलिएट वर्ड को कैसे याद रखो। पहले मौली, मौली फायर, मौला मौला कर रहा था, शांत हो गया। अल्लाह अल्लाह जैसे हमने किया था ना, अल्लाह अल्लाह का नाम लेके शांत हो गया। मौला मौला, मौला मौला अल्लाह अल्लाह करके शांत हो गया। पैलिएट प्लेट में, प्लेट में खाना मिल गया शांत हो गया, प्लेट में खाना मिल गया शांत हो गया, पानी पिलाकर शांत कर दिया। अच्छा पानी पिलाकर शांत कर दिया। अब प्रोपिशिएट कैसे याद करोगे, प्रोपिशिएट का मतलब है फेवर। हाँ प्रोपिशिएट, पोल में शांत कर दिया। जब पोल, पोल कहा यहाँ पे, जब पोल, पोल देने के बाद बच्चे शांत हो जाते हैं। प्रो, प्रोपिशिएट। अच्छा प्रॉफिट हुआ उसके बाद प्रॉपर्टी, प्रो प्रॉपर्टी मिलने। अरे प्रॉपर्टी कहाँ है, अच्छे से करो एग्जाम में, एकदम एकदम एग्जाम में आ जाए। प्रोपिशिएट, प्रोपिशिएट अच्छे से याद कर लो। पिटी, पिटाई मिलने के बाद शांत हो गया। पिटी, एक बार पिटाई मिला बच्चा शांत हो गया। प्रॉफिट लेने के बाद शांत हो गया। प्रो फोन, हाँ प्रो, प्रो फोन मिल गया उसके बाद हल्ला कर रहा था, एक बार फादर ने प्रो फोन दिलवा दिया तो शांत हो गया बच्चा। प्रॉपर, प्रो लोग पिटाई खाकर शांत हो जाते हैं, खाकर शांत हो गया। अच्छा प्रोपिशिएट। पैलिएट, गर्ल्स को पता होगा। पैलेट गर्ल्स, पैलेट, पैलिएट और पैलेट गर्ल्स को पता है ना, पैलेट क्या होता है, कलर पैलेट्स। गर्ल्स, बॉयज को भी पता होगा। आई शेडो वाला पैलेट होता है, आई शेडो वाला पैलेट्स होता है, उसमें डिफरेंट कलर्स होते हैं, मेकअप करते हैं उसको। गर्ल्स को ये मिल जाता है ना, उसके बाद तो वो एकदम शांत हो जाते हैं, खुश हो जाते हैं। या कलर पैलेट भी होता है, कलरिंग के लिए भी यूज करते हैं। आई माँ, उसमें सब रहता है। हाँ कौन, ब्लश वगैरह सब रहेगा। मिल गया, ये क्या है, आप लोग को नहीं पता, ब्रो लोग को नहीं पता है, तो आप लोग छोड़ो। आप कलर पैलेट याद रखो, बच्चा कलर के लिए हल्ला कर रहा था, कलर मिल गया खुश हो गया। मेकअप का होता है ये, तो लड़कियां ये सब यूज करती है। लड़कियां थोड़ी, लड़के थोड़ी मस्कारा शेडो लगा के आई। प्लकेट, प्लकेट का मतलब भी होता है शांत करना। याद रखना, अब इस बात पे डिस्कशन हो गया, याद रहे तो याद रखना है। क्या क्या याद रखना है, एक तो पैलिएट, पैलिएट कैसे, एक बार अच्छे से बताओ उसका कैसे याद कर सकते हो। पैली, पैली एट किया, पैली तो कोई खाने का चीज भी नहीं है, पैली तो कोई खाने का चीज भी नहीं है। पोल, अच्छा पैल पोल, स्टूडेंट्स हल्ला करते हैं ना, पोल पोल, और मैं पोल देती हूँ उसके बाद शांत हो जाते हैं। एक होता है पोल, ये पोल का मतलब होता है फ्रेंड। आप जितना भी गुस्सा हो ना, जब आपके फ्रेंड आते हैं तो आप शांत हो जाते हैं, तो उसके लिए पोल वर्ड का मीनिंग पता होना चाहिए ना। ये पोल का मतलब होता है फ्रेंड, फ्रेंड। और कलर पैलेट से याद रखना, लड़कियों को कलर पैलेट मिल जाता है, उन्हें मेकअप का सामान मिल जाता है, वो शांत हो जाते हैं। प्रोपिशिएट, प्रोपिशिएट, प्रोपिशिएट वर्ड याद रखना, ठीक है। प्रोपिशिएट का मतलब भी है पिट कर, पिटी, पिट, पिटने के बाद शांत हो गया। मौला मौला कर कर शांत हो गया। मॉलीफाई, मॉलीफाई कर करके शांत हो गया, ठीक है। ये सब याद रखना, प्रोपिशिएट। और काम डाउन याद रखना, काम डाउन तो सब बच्चे को पता है, काम डाउन करना, सूद करना, शांत करना। प्लेट में खाना मिला शांत हो गया। कुछ लोगों को, कुछ लोग बहुत जल्दी गुस्सा हो जाते हैं, उन्हें भूख लगती है ना, बहुत जल्दी गुस्सा हो जाते हैं, जैसे प्लेट में खाना आया शांत हो गया, उसे याद रखना। सीरीन भी याद रखना, सीरीन का मतलब भी है ये सीन। सीरीन हम जनरली लोगों के लिए यूज नहीं करते, एटमोस्फियर के लिए यूज करते हैं। एटमोस्फियर के मतलब बहुत सीरीन है, बहुत शांति है, शांति है। स्मग का मतलब तो सेटिस्फाइड, प्लेसिड वेदर। तो ये सब याद रखना, पाली लैंग्वेज है, पाली लैंग्वेज होती है ना, पाली लैंग्वेज बोलने से शांत हो गए हैं, पाली लैंग्वेज सुनकर शांत हो गया। पाली डिस्ट्रिक्ट भी है, पाली डिस्ट्रिक्ट में लोग जाके शांत हो जाते हैं। चलो ठीक है, याद रखना, शांत करने के भर भर के आएंगे ही आएंगे। ये SSC का एकदम ट्रेंडिंग वर्ड है, ट्विटर पे इसको ट्रेंड करवा दोगे ना, सब बच्चा आ जाएगा। SSC का आंसू पोंछना बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, आएगा ही आएगा, आएगा ही आएगा। किसी को शांत करना, शांत करना एकदम सारे आते हैं। अब कौन सा नहीं आता है, सब आता है, इसमें से कोई एक ऐसा वर्ड नहीं है ना जो नहीं आता है, सब आता है। प्रो तो लिख लेना, लिख लेना, सारे नहीं, सारे याद है तो चलो याद है। अरे कॉन्टूरिंग का मतलब क्या होता है बताऊंगी अच्छे से। मेकअप, एक दिन मैं यूट्यूब पे मेकअप करने वाला लेकर आऊंगी, कोई ट्यूटोरियल लेके आऊंगी ना, कॉन्टूरिंग यहाँ से ऐसे करते हैं, नोज पे करते हैं, यहाँ यहाँ, वो सब कर करके बताऊंगी, ठीक है। और जिस दिन मैं मेकअप का सामान लेके आ गई, और आज मेकअप ट्यूटोरियल अगर आपने थंबनेल में लिख दिया, थंबनेल में लिख दिया, उसके बाद तो देखो भर भर के आएंगे सब, खुशी खुशी भर भर के आएंगे। इसका मतलब है शांत करना, शांत करना। हाँ चीक बोन्स में लगाते हैं, ओके, आपके
कॉन्टूरिंग करते हैं हाईलाइट करने के लिए, नोज पे लगाते हैं, लड़कियों को पता होगा, मुझसे ज्यादा ही पता होगा, यंग जनरेशन है सब। और SOH का मतलब शांत करना, याद रखना, शांत करने का उल्टा किसी को उकसाना। जितना शांत करना इंपॉर्टेंट है ना, जितना वर्ड शांत करना इंपॉर्टेंट है, मैप में भी कॉन्टूरिंग करते हैं, उतना उकसाने वाला वर्ड भी इंपॉर्टेंट है। देखो क्या है, इसमें से कोई ऐसा वर्ड नहीं है ना जो इंपॉर्टेंट नहीं है और जिसको मैं छोड़ दूं, भर भर के आएगा ये सब, कोई एक ऐसा वर्ड नहीं है। तो जितना उकसाना, किसी को गुस्सा दिलाने वाले वर्ड है, सब एक जगह, सब पापी लोग एक्टिव होंगे। अच्छा सबसे पहले तो आ गया, आप ही आओगे नंबर 1 पापी, पापी लोग एक्टिव होंगे। मेकअप करना कोई खराब बात थोड़ी है, मेकअप करना चाहिए, मेकअप करना क्या दिक्कत है, मेकअप करना। एग्रावेट, एग्रावेट का मतलब क्या है, मेकअप, हाँ गर्ल्स को थोड़ा राइट, भगवान ने ये फंडामेंटल राइट है भगवान की तरफ से, तो वो करेंगे, मेकअप करना है करेंगे। एग्रावेट, एग्रावेट बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो पहले से ही गड़बड़ था और आपने सिचुएशन को और भी एग्रावेट कर दिया। पहले से ही वो बच्चा गुस्से में था, पहले से ही वो बच्चा गुस्से में था, और आग में घी डालना, एग्रावेट कर दिया, मतलब उसको और भी गुस्सा दिलाना, सिचुएशन को और भी वर्सन करना, बदतर कर देना, उकसाना उसको, तो एग्रावेट कैसे, उग्र बनाना। हाँ नहीं, कैसे याद रखोगे, कैलेंडर में ना स्पेलिंग सही लिखना, ठीक है, कैलेंडर में सी के बाद ए, बट एल के बाद ई, और डी के बाद ई नहीं आएगा, कैलेंडर, कैलेंडर आ गया ना मैम तो डर लग रहा है, तो DAR रखना, DAR रखना। इस बार स्पेलिंग कैलेंडर का आया था, पता है मुझे, रॉन्ग करते हो, डर लग रहा है कैलेंडर आने के बाद। हाँ एग्रावेट, एग्रावेट कैसे याद करोगे, अच्छा ज्यादा ग्रेवी खा लिया, ग्रेवी, अच्छा ग्रेवी बहुत तीखा था, बहुत तीखा था, ज्यादा ग्रेवी खा लिया, उसका शांत था और भी ज्यादा गुस्सा हो गया, अग्रेसिव हो गया, अग्रेसिव वर्ड से याद कर लो, एग्रावेट अच्छा वर्ड है, अग्रेसिव, अग्रेसिव मतलब और भी हिंसक हो जाना, वो तो शांत करना था, ये तो हिंसक, ये वर्ड अच्छा, आग लगा दिया, आग, आग, इसे आग का स्पेलिंग ये होता नहीं है, ठीक है, आग, आगरा, वेट, एग्रावेट, अग्रेसिव वर्ड से याद रखना। आगरा जाने के लिए आगे से क्या, आगरा जाने, आगरा गया तो बहुत हिंसक हो गया, ऐसा क्या देख लिया आगरा में आगरा में बच्चे ने ऐसा, आगरा, आगरा में ऐसा क्या देख लिया कि बच्चा बच्चा प्रोवोक हो गया ताजमहल को देख लिया योगी जी को देखने के बाद और भी भड़क गया, अच्छा एग्रावेट, एग्रावेट करना, भड़काना। इनसेंस, इनसेंस, इनसेंस का 2 मतलब होता है, याद रखना कि क्या आपके एग्जाम के ऑप्शन में आ रहा है। एक होता है इनसेंस स्टिक, इनसेंस स्टिक जिसको हम हिंदी में अगरबत्ती बोलते हैं, जिसे स्मेल आती है, अगरबत्ती, इनसेंस स्टिक इज अगरबत्ती, तो इनसेंस का मतलब है खुशबू आना, अच्छी वाली स्मेल आना, फ्रेग्रेंस, ठीक है। एक इनसेंस का मतलब आपके ऑप्शन में देख लेना क्या है, एक इनसेंस का मतलब होता है, इनसेंस स्टिक तो अगरबत्ती है, और एक इनसेंस का मतलब है क्या है, ये ख है ना, खुश, अरे ये खुशबू है, फ्रेग्रेंस है, ठीक है, खुशबू आना, खुशबू आना, ओके। और एक इनसेंस करना मतलब किसी को गुस्सा दिलाना, तो कैसे याद रखोगे, जैसे आन अकेडमी ने मुझे अगरबत्ती भेजा है, पहले भेजा था, पता नहीं कभी भेजा था अगरबत्ती, और दोनों बहुत सुंदर अगरबत्ती है, साउथ का अगरबत्ती है, जब मैं जलाती हूँ ना तो शाम में उसको बहुत अच्छी खुशबू आती है उससे, तो अगरबत्ती इनसेंस स्टिक है, ठीक है, दिवाली में भेजा होगा, हाँ सही बोल रहे हो, दिवाली पे भेजा होगा और एक इनसेंस का मतलब है जब अच्छी खुशबू नहीं आती है, तो ऐसा कुछ याद करो, नो सेंस, इनसेंस, अच्छा हाँ इनसेंस, सेंस ऐसे याद कर लो, सेंस, और इनका मतलब तो रूट में हम लोग, नो सेंस है, इस व्यक्ति को कोई सेंस नहीं है, इसीलिए ना इसको जरा भी सेंस नहीं है, छोटी छोटी बातों पे प्रवोक्ड हो जाता है, भड़क जाता है, भड़क जाता है, नो सेंस। इनसे, एक इनसेन का मतलब तो पागल वाला हो गया, मैड, ल्यूनेटिक, इस व्यक्ति का कोई इनसेंस है, कोई सेंस नहीं है, कोई भी इसको प्रवोक कर दे, कोई भी इसको उकसा दे, ओके, उसको खुशबू अच्छा नहीं लगा, इसलिए वो गुस्सा हो गया, ओके ठीक है, नॉनसेंस, इनसेंस याद रखना, इनसेंस, ओके। अराउज करना भी, किसी को उत्तेजित करना, ये तो पता है, स्टीयर, पुट सम शुगर इन अ ग्लास ऑफ वाटर और स्टीयर इट, एक स्टीयर का मतलब ना घोलना होता है, मिक्स करना, जैसे आपने शुगर डाला ग्लास में और उसको स्टीयर कर रहे, जैसे मिला रहे, घोल रहे, और एक स्टीयर का मतलब होता है हिंसा, वॉयलेंस, जैसे राजनीतिक हिंसा के लिए आपको मिलता है पॉलिटिकल स्टीयर, पॉलिटिकल स्टीयर, इसका मतलब है किसी को स्टीयर करना, उत्तेजित करना, प्रवोक करना,
स्टीयर अप होता है, तो वहां तो फ्रेजल वर्ब कर चला गया, स्टीयर द हॉर्नेट्स, हाँ हॉर्नेट्स नेस्ट मतलब प्रॉब्लम्स को इनवाइट करना, ठीक है। रिलीजियस स्टीयर वो हो गया, इनसाइट तो पता है, इनसाइट करना कैसे याद करो, कैसे याद करो, एक्साइट वर्ड अलग है, इनसाइट कैसे याद करोगे, इनसाइट हो या इंस्टिगेट, इंस्टिगेट साइट नहीं किया तो गुस्सा हो गया, साइड साइड कर दिया, अच्छा उसको साइड कर दिया, साइड या उसको साइड पे नहीं ले गया, ऐसा वाला साइड पे, उसको साइड पे नहीं ले गया या उसको साइड कर दिया, गुस्सा हो गया। इंस्टिगेट करना इज ऑल्सो भड़काना, इग्नाइट करना, इग्नाइट मतलब इग्निशन होता है ना आपके बाइक वगैरह में, इग्निशन आग, आग डालना, आग डालना उसको और भी भड़काना, भड़काना इग्निशन होता है। और रेज का मतलब क्या है, रेज का मतलब है गुस्सा, गुस्सा नाउन है, और एनरेज करना इज गुस्सा दिलाना वर्ब है, आउटरेज करना गुस्सा दिलाना वर्ब है, फ्यूरी नाउन है, और इनफ्यूरिएट करना इज गुस्सा दिलाना, गुस्सा दिलाना। आपका इसी मंथ से शायद फॉर्म फिलिंग, नहीं नहीं फॉर्म फिलिंग का प्रोसेस नहीं, नोटिफिकेशन आएगा ना इसी मंथ में, शायद नोटिफिकेशन आ जाएगा 23 दिसंबर को, न्यू ईयर गिफ्ट देंगे आपको, क्रिसमस गिफ्ट। एसएससी प्री, एसएससी प्री। फर्मेंट, अच्छा फर्मेंट वर्ड सुना है, फर्मेंटेशन प्रोसेस सुना है, पिज्जा खाते हो ना, या ब्रेड बनाने के लिए ब्रेड को फर्मेंट किया जाता है, ब्रेड में फर्मेंटेशन, जैसे या इडली डोसा का पेस्ट में ना फर्मेंटेशन किया जाता है, उसमें खमीर उठाना, ओके थोड़ा खट्टा करना, और जैसे ब्रेड में एंजाइम डालते हैं ईस्ट, ईस्ट डाल के ब्रेड को हमें खमीर उठाते हैं, तो फर्मेंटेशन में मतलब ब्रेड में केमिकल एक्टिविटीज को बढ़ा देना, ताकि उसमें केमिकल रिएक्शंस तेजी से होने लगे, तो बहुत जल्दी रिएक्शंस होने लगे, मतलब बहुत जल्दी रिएक्ट कर रहा है, बहुत जल्दी तुरंत रिएक्ट कर देता है, बहुत जल्दी इसको उकसाया जा सकता है। बेकिंग सोडा, खमीर, अरे खमीर मतलब क्या होता है, क्या बोलो, ईस्ट वगैरह से एंजाइम डालकर, ईस्ट वगैरह डालकर, एंजाइम डालकर उसको करते हैं ना, थोड़ा सॉफ्ट हो जाता है, उफान ला देना, ढोकला में भी डालते हैं, ढोकले में एक्सपैंड थोड़ी हो, इनो भी मिलाते हैं, हाँ इनो भी, ताकि दैट दैट थिंग्स बिकम्स ना फ्लफी, थोड़ा सा वो फ्लफी हो जाए, उसमें फ्रॉथ आ, झाग तो अलग हो गया। केक में भी, केक में भी, खैर केक में तो उतना डालने की, बेकिंग सोडा डालते हैं, बेकिंग थोड़ा सा ना उसको स्पॉन्जी बना देना, टू मेक इट स्पॉन्जी, ओके तो अच्छा सा स्पॉन्जी, जैसे इडली डोसा का पेस्ट में डालते हैं, ढोकला में भी, तो फर्मेंट करना भी, किसी को फर्मेंट कर रहे हो मतलब किसी को बहुत ज्यादा रिएक्टिव बना रहे हैं, बहुत रिएक्ट कर रहे हैं, फर्मेंट कर रहे हैं। एग्जैस्परेट तो बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, ये वर्ड को एकदम रट लीजिएगा, एग्जैस्परेट, एग्जैस्परेट का मतलब एकदम तुरंत भड़क जाना, किसी पे गुस्सा दिलाना। चलो आंसर बताओ, ढोकला, फाफड़ा, ढोकला, हाँ वही सब, फाफड़ा वाफड़ा सब है, नहीं ऐसा नहीं बोलना है, वाफड़ा वाफड़ा नहीं। SSC exams 21-22 official calendar out. What next? What's next? Exasperate. Exasperate कैसे करोगे? X से separation हो गया उसका, अच्छा सारा तो इन लोगों का सारा mnemonic X पे ही बनता है, X पर भड़क गया, X से separation हो गया, और तब से तुरंत तुरंत भड़क जाता है, अपने X पे भड़क गया, X पे गुस्सा हो गया, exasperate, अच्छा एक्सेस रेट, बहुत ज्यादा, शॉपकीपर ने बहुत ज्यादा रेट बताया, गुस्सा हो गया, एक्सपर जो भी है। एस्पिरिन, एस्पिरिन, अच्छा एस्पिरिन किस लिए लेते हैं, एस्पिरिन किस लिए लिया जाता है, टैबलेट किस लिए, पेन में लेते, सरदर्द में लेते हैं, वो तो डिस्प्रिन लेते हैं ना सरदर्द में, एस्पिरिन भी लेते हैं, डिस्प्रिन भी लेते हैं, ओके दर्द को कम करता है, तो एस्पिरिन बहुत गुस्से में था, बहुत गुस्से में था, तो उसको एस्पिरिन लेने की जरूरत पड़ी, हेडेक में, पेन किलर है, ओके पेन किलर है एस्पिरिन, गुस्से में था तुम्हें एस्पिरिन की जरूरत है, एक्स्ट्रा पेट निकल गया, नहीं नहीं एक्स्ट्रा पेट यहाँ पे मत डालो। एक बच्चा बोल रहा है आपका तीत कैसा है, ठीक है फर्मेंट, लाइफ लॉन्ग नहीं होता है तीत में दर्द, तीत कैसा है पूछ के बताऊंगी तीत से। एग्जास्परेट, इग्नाइट करना, इग्नाइट मतलब फायर, और ये मैंने अभी हाल फिलहाल में 3.5 के बैच में रूट वर्ड खत्म किया, तो उसमें एग्जासर्बेट, एसर, एसर का मतलब ही बताया है
एसर का मतलब है बहुत बिटर, कड़वा। एसर का लैपटॉप बाइक से गिरा दिया, उसको कड़वे बोल सुनने को मिले, मतलब सिचुएशन और भी खराब हो गई, एग्जासरबेट करना सिचुएशन को और भी बदतर बनाना। अबेट, अबेट बताया था ना, किसी को उकसाना, बेट लगा लगा कर प्रवोक करना, किंडल करना, किंडल करना भी उकसाना। इनफ्लेम, इनफ्लेम का मतलब भी होता है फायर, फायर फायर डाल। हाँ, अब मैं नीम की दातून से ब्रश कर रही हूँ। इग्नाइट फिर से आ गया, इग्नाइट आया था ना। गोट, गोट वर्ड याद रखना। अच्छा, मैंने एक बताया था ना, टू स्टील समवंस गोट, ऐसा ऐसा किया था ना हमने मुहावरे में, समवंस गोट, टू स्टील समवंस गोट, किसी का गोट चुरा लोगे तो वो तो गुस्सा होगा, किसी की बकरी चुरा लोगे तो गोट, गोट का मतलब है गोट, गोट चुरा लोगे गुस्सा होगा, इरिटेट करना। लेकिन यहाँ पे गोट का मतलब वो तो अलग था, यहाँ गोट करना भी किसी को उकसाना, ठीक है, किसी को उकसाना, एगोन करना, उकसाना, उकसाना, गॉड गुस्सा हो गए हैं। अच्छा, स्टील द शो अलग है, टू टेक समवंस गोट तो मतलब इरिटेट करना है। यस, अमरेज वर्ड भी करोगे, यहाँ पे आपने वो वर्ड लिखा है ना, रेज में अमरेज भी डाल लो, गॉड गुस्सा है किसी, एगोन, एगोन करना भी किसी को प्रवोक करना, ठीक है, प्रवोक करना, किसी का परफॉर्मेंस अच्छा नहीं होता उसके ऊपर अंडे अंडे टमाटर फेंकने लगते हो, ओके, प्रवोक होकर उसके ऊपर अंडे टमाटर फेंकने लगते हो। और एक आउटरेज के साथ साथ अमरेज भी लगाओ, इस तीनों में खास बात क्या है? अमरेज, रेज, रेज का मतलब है गुस्सा, आउटरेज गुस्सा, एनरेज गुस्सा, ऐसे वर्ड्स बार बार रिपीट करिएगा, इसमें से कोई ऐसा वर्ड नहीं है ना। गोड, गोड का मतलब है किसी को उकसाना, गॉड को उकसा रहे हो, रेज देखकर ही गुस्सा आ जा रहा है। एम्ब्रॉयल, यस, एम्ब्रॉयल का मतलब भी एकदम गुस्सा दिखाना, गुस्से से बॉयल हो रहा है, गुस्से से। अच्छा, ज्यादा लोड बढ़ गया इसलिए गोड हो गया, किसी किसी पे ज्यादा लोड डाल करना, उसको क्या करते हो, उसको प्रवोक करते हो कि काम छोड़ दे, किसी पे ज्यादा लोड डाल दोगे तो क्या कर रहे हो, उसको और भी उकसा रहे हो ना कि नौकरी छोड़ के चला जाए, आपसे झगड़े, आपसे झगड़े, लोड देना, गुस्से में अमरेला खोला। अरे इतना गुस्से में अमरेला नहीं खोलना है, ये वर्ड को कुछ नहीं याद रखना, ये हर बच्चे को पता है। रेज, रेज का मतलब है गुस्सा, ठीक है, एनरेज, एनरेज का मतलब है गुस्सा, आउटरेज, आउटरेज का मतलब है गुस्सा दिलाना, रेज का मतलब ही है गुस्सा, और जैसे इनफ्यूरिएट, फ्यूरिएट का मतलब भी है गुस्सा, फ्यूरी, फ्यूरी गुस्सा, अम्ब्रेला खोल कर मारा। हर किसी का निमोनिक थोड़ी बनाना शुरू कर दोगे, याद हो जाएगा ना। किंडल करना, किसी को किंडल कर रहे हो, उसको किंडल कर रहे हो ना, उसको और भी उकसा रहे हो, आग डाल रहे हो, इग्नाइट कर रहे हो, इग्नाइट कर रहे हो। रिवाइज करना है, आपके पास टाइम नहीं बचा है, नोट उन्होंने क्लियर कर दिया है, आपका अप्रैल में एग्जाम होगा, यू नो यू डोंट हैव टाइम। आपको क्या करना है ना कि जब मैं आपका बैच खत्म करूंगी फरवरी में, तो आपके पास पूरे वर्ड पावर टिप्स पे होने चाहिए, पूरा ग्रामर का रूल टिप्स पे होना चाहिए, ताकि प्रैक्टिस बैच में काम आए, और बहुत अच्छा समय पे खत्म हो रहा है, प्रैक्टिस बैच भी शुरू हो जाएगा, हो जाएगा, इसमें सब हो जाएगा। अरे कितना सारा चीज होगा, पहले इसको खत्म करने दीजिए ना, सब होगा, सब होगा, एकदम एकदम परेशान नहीं होना, बिल्कुल होगा। अब आप क्या करेंगे ना, फिर से साइक्लिक होगा ना, 89 वर्ड्स करवाया, ठीक है, 89 वर्ड्स करवाया 3:30 बजे वाले में, फिर अब समुद्र मंथन का बैच होगा, ठीक है, तब तक रूट वर्ड भूल चुके होगे, तो फिर रूट का होगा, साइक्लिक में सब होते रहे, सब होते रहेगा, ऐसा थोड़ी एक ही बैच में सब करते रहो। एगोन करना, आ जाएंगे, आ जाएंगे, रट्टा तो लगाना ही होगा, कैसे याद हो गया, बाकी बच्चों से पूछो वो सब कैसे बोल रहे हैं, पुराने वाले, बूढ़े वाले। मैम अप्रैल में किसका एग्जाम है? अप्रैल में सीजीएल प्री का नोटिफिकेशन आ गया है, सीजीएल प्री, उसका एग्जाम, प्री का एसएससी सीजीएल प्री। डर लग रहा है, मुझे भी लग रहा है, मेरा मुझे भी लग रहा है, मुझे तो मेंस के लिए भी डर है, मुझे तो डिस्क्रिप्टिव के लिए डर है, अब प्री के लिए डर है, तो आने वाला पूरा मेरे लिए पूरा शुरू का 4-5-6 मंथ्स ही डर 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 के मैं रहूंगी, डर लग रहा है, डर लग रहा है। ये सब वर्ड एकदम याद, टिप्स पे, किसी को उकसाना, ठीक है, किसी एक तो अभी किया, किसी को शांत करना, और ये किसी को उकसाना, ठीक है, उकसाना। अब इसका इडियम्स आ जाओ, किसी को उकसाना, किसी को गुस्सा दिलाने का इडियम्स क्या होगा? अभी तो हमने सिनोनिम्स पढ़ा और एंटोनिम्स पढ़ा, ये देखो, ये ना बोन टू पिक, हमेशा किसी को अनॉय करना, ये वाला कौन सा इंपोर्ट, सब आ चुका है, सब हाल फिलहाल में, ये भी आ गया है, ये भी आ गया है, अप इन द आर्म्स भी आ गया है, किसी की गोट चुराना और रफल भी आ गया है। अब कौन सा है जो इंपॉर्टेंट नहीं है? इडियम्स, गेट ऑन समवंस नर्व्स, हाँ,
गेट ऑन समवंस नर्व्स, वो कंटेंशन तो विवाद का भी, सारे इंपॉर्टेंट है. ओके अप इन द आर्म, रुको रुको रुको, गेट ऑन, डोंट गेट ऑन माई नर्व्स, गेट ऑन समवंस नर्व्स, किसी के नर्व्स के अंदर घुस जाना. गेट ऑन समवंस मतलब किसी को इरिटेट करना, गुस्सा दिलाना. दे दिया आशीर्वाद, आशीर्वाद दे दिया. फ्लिप आउट करना, इसको कैसे याद करेंगे मैं बता रही हूँ. अप इन द आर्म्स, अरे हर चीज में कहां से निमोनिक बना बना के आऊंगी मैं. हाँ इनविंसिबल मेरे को अभी, मैं मुझे याद है कार्तिक, मैं बात करूंगी ना. अगर इनविंसिबल को हिम्मत है तो मेरा सामना करे, काउंटर करे मुझे, कन्फ्रंट करे मेरे को, अगर सामना है मतलब हिम्मत है तो. हाँ अप इन द आर्म्स, देखो ये सब देखो कुछ तो याद करना होगा ना. हर चीज में टीचर निमोनिक्स थोड़ी बनाएंगे, हर चीज में टीचर निमोनिक्स. और वेक्स का मतलब है इरिटेट हो जाना. अरे ऐसा कोई थोड़ी है, काउंटर कर दिया क्या हुआ. ऐसा कोई बहुत ज्यादा नहीं हुआ. अगर इनविंसिबल में हिम्मत है तो मेरा सामना करेंगे, आएंगे ही नहीं, वो तो ऐसे भी नहीं करते हैं सामना. हाँ एक मिनट, ये टू गेट ऑन समवन लिख लेना, गेट ऑन समवंस नर्व लिख लेना, लिख लेना. लास्ट स्ट्रॉ, इसमें ना मैं कुछ कुछ ऐड करते जाऊंगी. लास्ट स्ट्रॉ, द फाइनल इरिटेटिंग थिंग. ओके द लास्ट स्ट्रॉ, आपके लाइफ में जो फाइनल इरिटेटिंग थिंग बचा है, द लास्ट स्ट्रॉ. नेक्स्ट नेक्स्ट पे है ना. अरे हाँ हाँ लिखा हुआ है, लिखा ही हुआ है, मुझे लगा कि शायद मैंने नहीं लिखा. ओके चलो, एंग्री का देखो अप इन द आर्म्स. और उस दिन हमने किया था अप इन द आर्म्स के साथ साथ, हमने यूट्यूब पे एक दिन किया था ना, अ शॉट इन द आर्म्स. इसका मतलब क्या है शॉट इन द आर्म्स? उसको शांत बैठा हुआ था, उसको कोई, एक बार उसको आर्म्स में चोट लगा ना, एक शॉट लगा, उसके बाद एनकरेज हो गया, उसके अंदर जोश आ गया. एनकरेज करना, शॉट इन द आर्म्स मतलब एनकरेज करना. मुहावरे तो कुछ रटना होगा ना. अप इन द आर्म्स, आर्म्स ऊपर उठाओ, कैसे बोलते हैं हाथ ऊपर उठाओ. चलो पुलिस आते हैं ना, पुलिस जब गुस्से में आते हैं, पुलिस गुस्से में आते हैं बोलते हैं ना, हाथ ऊपर करो, हैंड्स अप, हैंड्स अप, गुस्से, तो हैंड्स अप. अप इन द आर्म्स मतलब या गुस्से में, या ऐसा बोलते हैं ना अप इन द आर्म्स, गुस्से पे, जब आपको किसी पे गुस्सा आता है तो आप किसी पे हाथ उठाते हो. ब्लो योर टॉप, मैं तुम्हारा ऊपर का टॉप उड़ा दूंगा. ब्लो योर टॉप, तुम्हारा टॉप ही ऊपर का फ्लोर उड़ा दूंगा. एंग्री, बोन टू पिक, बोन टू पिक वाले ऐसे लोग के लिए होते हैं ना, कि जो हमेशा किसी का क्रिटिसिज्म करेंगे, क्रिटिसिज्म करके अनॉय करेंगे. ही ऑलवेज हैज अ बोन टू पिक, कुछ किसी ना किसी चीज को लेकर गुस्सा रहता है, गुस्सा रहता है. गेट समवंस गोट, किसी की बकरी चुरा लोगे तो वो तो गुस्सा होगा. गेट इन समवंस हेयर या गेट ऑन समवंस हेयर, गर्ल्स को देखोगे ना, अगर वो हेयर बना के किसी पार्टी वगैरह में जा रहे हैं या वो पार्लर में जाते हैं, गर्ल्स का सबसे बड़ा मतलब मेकअप होता है हेयर. अगर उनका हेयर अच्छा बन गया ना तो वो खुश रहते हैं, जरा सा भी उनका हेयर स्टाइल बिगड़ जाता है बहुत इरिटेट हो जाते हैं, या कोई उनके हेयर के साथ छेड़छाड़ करे, गलत कट हो जाए, वो हो जाता है बैड हेयर डे. बैड हेयर डे भी है, गुस्सा हो जाते हैं. सब गर्ल्स रेडी है, बॉयज के साथ भी होता होगा, क्योंकि आपके फेस का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है हेयर. बहुत हेयर आपके लुक को डिसाइड करता है, थोड़ा सा भी हेयर के साथ गड़बड़ हो ना. टू रफल समवंस फेदर, जब 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 बर्ड्स ना अपने अपने पंख को बहुत फड़फड़ाते हैं, जब बर्ड्स इरिटेट होते हैं ना तो अपने पंखों को रफल करने लगते हैं, ये तो सबको होता है. आई एम पिस्ड ऑफ, पिस्ड ऑफ जब किसी से बहुत ज्यादा चिढ़ जाते हो ना. काफी किसी से चिढ़ चिढ़ जाते हो. ओके चीज्ड ऑफ, चीज्ड ऑफ का भी अनॉयड है. टॉम एंड जेरी में, टॉम एंड जेरी में देखते हो उसका कैट चीज लेके चली जाती है तो गुस्सा हो जाता है चीज. सब क्या क्या लैंग्वेज यूज करते हो ना छपरी, और क्या क्या इंग्लिश के क्लास में सब यूज कर रहे हैं, अजीब अजीब सी लैंग्वेज यूज कर रहे हैं, सब एक्साइटेड हो गए हैं. ये सब लैंग्वेज नहीं यूज करना. इंग्लिश का क्लास एक बहुत डिसेंट और बहुत खूबसूरत और बेसिक एटिकेट्स फॉर्मल क्लास होना चाहिए, यही सब देखते हैं. पिस्ड ऑफ, मैं तुम्हें पीस दूंगा. मिक्सी, जैसे मैं आप पे गुस्सा होती हूँ ना, तो मैं वॉशिंग, ज्यादा आपके दिमाग में अनाप शनाप भरा है ना, तो मिक्सर ग्राइंडर में डाल दूंगी, वॉशिंग मशीन में डाल के गोल गोल घुमा के साफ कर दूंगी, चीज कर दूंगी, पीस देना. फ्लिप आउट, आपको फ्लिप आउट का मतलब क्या, जैसे क्वेश्चन फ्लिप करते हैं, जो क्वेश्चन आपको नहीं पसंद है वो तो फ्लिप होता है.
फ्लिप कर देते हैं क्वेश्चन, कोई क्वेश्चन आ रहा है आपको, आपको कौन बनेगा करोड़पति में हो, क्वेश्चन को फ्लिप करते हो ना, जब क्वेश्चन नहीं आता है तो क्या होता है, बहुत इरिटेशन होता है, लास्ट स्ट्रॉ द फाइनल इरिटेशन, आपके लाइफ में एक फाइनल इरिटेशन है दैट कॉजेज अ पर्सन, जो आपके पेशेंस को लूज कर देता है, टू हैव अ काउ, अरे ये इसको याद रखना है, बकरी खो जाती है आपकी, हाँ किसी की बकरी ले लोगे तो वो गुस्सा होगा, और टू हैव अ काउ का मतलब भी होता है गुस्सा होना, ओके, टू ब्लो अ फ्यूज, फ्यूज ब्लो होना, काउ तो शांत होती है लेकिन एक है टू हैव अ काउ, इसका मतलब भी गुस्सा होना, जबकि काउ शांत होती है, उसका फ्यूज उड़ गया है, बोलते हैं ना उसके दिमाग का फ्यूज उड़ गया, गुस्सा है, टू ब्लो अ गैस्केट सबका मतलब है गुस्सा है, टू सम गेट ऑन समवन नर्व्स सबका मतलब होता है गुस्सा होना, तो मैंने आपको गुस्सा होने का सिनोनिम्स पढ़ाया, ओके अब हम गुस्सा होने का इडियम्स भी पढ़ा, और गुस्सा होने का पहले हमने सिनोनिम्स पढ़ा, फिर हमने गुस्सा मतलब एंटोनिम्स पढ़ा गुस्सा का, ठीक है, और अब शांत का भी पढ़ेंगे ना, शांत का भी एंटोनिम्स पढ़ेंगे, किसी को शांत करना, टू स्मूथ समवन, अभी तो अभी रफल्ड फेदर्स का मतलब क्या है, रफल्ड बर्ड्स ऑफ रफल्ड फेदर्स करना मतलब गुस्सा होना, और स्मूथ करना अपने रफल्ड फेदर्स को स्मूथ करना मतलब शांत होना, एक मिनट लास्ट स्लाइड ये वाला डाल दूंगी भाई, लिखने की जरूरत नहीं है, जो एक्स्ट्रा ऐड कर रही हूँ सिर्फ वही लिखना, हाँ फ्लिप आउट का, फ्लिप का मतलब है चेंज करना, क्वेश्चन को फ्लिप आउट नहीं करते, क्वेश्चन को सिर्फ फ्लिप करते हो, और इसमें तो आउट लग गया ना, अब ये फ्रेजल वर्ब बन गया, इसका मतलब चेंज हो गया, टू गेट ऑन समवन्स नर्व्स, और ये है किसी को शांत करना, पुल योर सेल्फ, ये तो पिछले बार ही आता है, अपने आपको पुल करो, पुल योर सेल्फ टूगेदर, देखो देखो एक होता है पुल योर सॉक्स, इसका मतलब क्या है, पुल योर सॉक्स, पुल योर स्लीव्स या पुल योर सॉक्स मतलब प्रिपेयर्ड होना, अपने आप को किसी चीज के लिए तैयार करना, और पुल योर सेल्फ टूगेदर कभी कभी होता है ना कि आप एकदम गुस्सा हो जाते हैं, तो आपको बोला जाता है अपने आपको पुल करो, अपने आपको रोको, शांत रहो, और देखो टू गेट ऑन समवन्स नर्व मतलब गुस्सा होना, और अपने नर्व को होल्ड कर लेना मतलब शांत हो जाना, टू कलेक्ट वन्स थॉट्स बहुत गुस्सा मत हो, अपने सारे थॉट्स को एक जगह कलेक्ट करो और शांत मन रखो, ये तो कीप वंस हेयर ऑन, यहाँ तो टू गेट ऑन समवंस हेयर था ना, और यहाँ टू कीप वंस हेयर का मतलब है शांत रहना, टू टेक द एज ऑफ, एज लेना मतलब सिचुएशन को और भी मतलब स्मूथ कर देना, लेस सिवियर बना देना, पैसिफाई करना जो खराब सिचुएशन था उसको, मेक मेक लेस सिवियर या अनप्लेजेंट, अनप्लेजेंट सिचुएशन कम कर देना, होल्ड योर हॉर्सेस, होल्ड योर हॉर्सेस का मतलब तो थोड़ा सा पेशेंस रखना, होल्ड योर हॉर्सेस पेशेंस रखो, बहुत ज्यादा उत्तेजित मत हो, वेट करो वेट करो, ये हो गया, एक और करके फिर नए वर्ड पे चलेंगे, एक और करके, टर्मोइल को कैसे याद रखोगे, क्योंकि अब हमें थोड़ा वर्ड्स ज्यादा ले जाना होगा एग्जाम को ध्यान में रखते हुए, टर्मोइल, अच्छा चलो नए बच्चों को कंफ्यूजन हो रहा होगा, लेकिन पुराने बैच में जब पढ़ाया है तो कैसे पढ़ाया था, ऑयल ऑयल ऑयल, जब ऑयल का प्राइस थोड़ा सा भी फ्लक्चुएट होता है ना, तो पूरे ग्लोबली पूरे वर्ल्ड में, स्टे हाइड्रेटेड यस यू आर राइट, ऑयल का प्राइस थोड़ा इधर उधर होता है तो पूरा उथल पुथल हो जाता है, तो ऑयल ऑयल का प्राइस थोड़ा इधर उधर होता है तो पूरा डिसऑर्डर हो जाता है, डिसऑर्डर डिसऑर्डर ना, टॉयलसम के लिए थोड़ी होता है, अच्छा टॉयलसम के लिए तो मैंने ऐसा बताया था, उसने मेरी ऑयल निकाल दी, इतना काम कराया ना कि उसने मेरी तेल निकाल दी उसकी बॉडी से, मतलब वो तो हार्ड वर्किंग के लिए बताया, इनविंसिबल का दिमाग सही में, मुझे बोल रहे हैं कि मैम आप पुरानी दुनिया से ना ओल्ड वाले दुनिया से नई दुनिया में आई है, आप कहाँ जा रहे हो, आप तो ओल्ड से ओल्ड मुझे लग रहा है 18th सेंचुरी, चौसर जो इंग्लिश लिटरेचर के शुरुआत के उस जमाने में चले गए, एंशियंट में हरप्पा कल्चर में चले गए, शिकार कर करके खाना खाते हैं घर में नहीं बनाते हैं, टर्मोइल, टर्मोइल का मतलब हिंदी में लिख लीजिए, अस्त व्यस्त डिसऑर्डर उथल पुथल, थोड़ा सा भी ऑयल का प्राइस तेल की कीमत थोड़ा सा भी ऊपर नीचे होता है ना तो पूरे वर्ल्ड में इसका इफेक्ट होता है, पूरा डिसऑर्डर हो जाता है, देखते हो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ जाता है, ऑयल का प्राइस बढ़ता है, हर जगह डिसऑर्डर हो जाता है, केओस वर्ड तो याद है, उसको चेओस मत पढ़ना, दिस इज केओस, केओस तो सबको पता है, केओस तो सबको पता है, और एक है पैंडीमोनियम, पैंडीमोनियम कैसे याद करोगे, पैंडीमोनियम को पैंडी में पैन वर्ड रूट है, पैन का मतलब होता है ऑल, पैन कार्ड होता है ना सब जगह काम कर जाता है, पेनिशिया या पेंडोरा बॉक्स है,
पेंडोरा बॉक्स वो बॉक्स होता है ना जिससे दुनिया के सारे दुख दर्द, जब ये बॉक्स खुला तो दुनिया का सारा दुख दर्द निकल के आया। तो पैन का मतलब है ऑल, और डेम का मतलब होता है लोग, डेमोक्रेसी, लोग, ऑल पीपल। जब एक जगह सारे लोग इकट्ठा हो जाएंगे तो क्या होगा, डिसऑर्डर होगा ना, डिसऑर्डर डिसऑर्डर होगा। और पैंडिमोनियम को आप डेमन से भी याद रखो, डेमन का मतलब है राक्षस। राक्षस आ जा, राक्षस आके क्या करते हैं, चारों ओर कंफ्यूजन फैलाते हैं। डब्ल्यू बी इट्स का एक पोएम भी है, पैंडिमोनियम पढ़ाया है, पैंडेमिक में। हाँ तो पैंडम कंफ्यूजन डिसऑर्डर केओस याद रखना। केओस को क्या कोई निमोनिक है, केओस का, केओस केओस का मतलब कंफ्यूजन है, वैसे तो याद होना चाहिए केओस, याद है ना, चलो ठीक है, वेरी गुड, इजी है, याद है, केओस ना, क्रिएट अ केओस, बता सकते। अप्रोर, जब रोर, जब शेर जंगल में गरजता है, जब शेर जंगल में गरजता है ना तो पूरे जंगल में डिसऑर्डर, अफरा तफरी, कंफ्यूजन फैल जाता है शेर। एजिटेशन भी सबको पता है, स्टेशन पे एजिटेशन, स्टेशन पे अफरा तफरी हो गई। प्लेन, प्लेन में टर्बुलेंस होता है, टर्बुलेंस वर्ड को डिस्टर्ब वर्ड से याद रखो, डिस्टर्ब, टर्ब 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 डिस्टर्ब है, मतलब उथल पुथल, केओस है। एम्बुलेंस, अच्छा टर्बुलेंस, प्लेन में जब मौसम खराब होता है तो टर्बुलेंस होता है। ओके, टर्ब का मतलब ही होता है डिस्टर्ब है, डिस्टर्ब, डिस्टर्बेंस है। टमल्टस कैसा होता है, टमल्टस, टमल्टस नहीं, टमल्टुअस, टमल्टुअस कैसे याद रखा था, टमटम से, टमाटर से याद रखा था। कभी कभी ना दो तीन चीज होती है, अनियन या टमाटर, टमाटर का प्राइस भी बहुत फ्लक्चुएट करता है। कभी कभी टमाटर, कुछ दिन पहले, कुछ दिन पहले टमाटर का प्राइस वॉज वेरी हाई, और हर सब्जी में टमाटर डालना होता है, और टमाटर घर ना रहने से ना घर में अफरा तफरी कंफ्यूजन हो गया, सब्जी में टमाटर डालते हैं। पाकिस्तान में 200 रुपये किलो था, ओके नाउ इट्स 40, ओके अब कम हो गया। क्वांड्री का मतलब हुआ, वो सब हम करेंगे। टमल्टुअस, टमाटर का प्राइस, टर्बुलेंस पता है। डिस एरे, एरे का मतलब क्या है, एरे, एरे वर्ड को याद रखो, अरेंजमेंट, एरे अरेंजमेंट, अरेंज करके रखा गया। और डिस एरे मतलब अरेंजमेंट में नहीं। अनरेस्ट, अनरेस्ट का मतलब ये मत सोचना कि रेस्ट नहीं किया, अनरेस्ट का मतलब है ना, जैसे बोलते हैं ना, मतलब सोशल अनरेस्ट, सामाजिक उथल पुथल, अनरेस्ट, अनरेस्ट का मतलब होता है एकदम बहुत भयंकर डिस्टर्बेंस। कई लोग रेस्ट नहीं कर पाते हैं ना तो डिस्टर्ब रहते हैं, और कई लोग हैं वो रेस्ट नहीं कर पाते हैं तो शांत नहीं रहेंगे, एकदम डिस्टर्ब रहेंगे, रेस्टलेस होता है, जैसे रेस्टलेस लोग होते हैं, बेचैन होते हैं, कंफ्यूजन में, उथल पुथल। यस, अपहीवल, अपहीवल, अपहीवल में क्या दिख रहा है, हेवन, अप हेवन, हाँ हेवन में क्या, हेवन में भी, हेवन में भी ना पॉलिटिकली, हेवन में भी सत्ता के लिए कि कौन हेवन का राजा बनेगा, उसके लिए भी कंफ्यूजन होता है, हेवन में भी लड़ाई झगड़ा कंफ्यूजन होता है। इंद्रदेव, उथल पुथल इंद्रदेव करवाते हैं, हेवन में कंफ्यूजन है, देवताओं के बीच भी सबसे बहुत झगड़ा होता है, बहुत झगड़ा होता है देवताओं के बीच, हेवन में भी बेचारे देवता और ऊपर से राक्षस आकर ये पैंडिमोनियम क्रिएट करते थे हेवन में, हेवन में सत्ता के लिए कंफ्यूजन है। हाँ मेहम, 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 हर बार मे मंथ में, हर बार मे मंथ में कोविड आ जाता है, वो भी सिवियर रूप में। अब देखोगे कोविड का सबसे ज्यादा प्रभाव मे मंथ में रहता है, अप्रैल मई में, मई में कोविड, हर बार मई में मेहम कोविड आके कंफ्यूजन क्रिएट कर देता है। और मे का मंथ, मे का मंथ गर्मी होता है, और गर्मी के वजह से सब लोग उथल पुथल परेशान रहते हैं, लॉकडाउन लग जाता है। मार्च, मतलब मार्च से भी ज्यादा अप्रैल मई में होता है, सीजीएल तक ओमिक्रॉन आ जाएगा, कुछ तो यही सोच सोच के खुश हो रहे हैं, ये नहीं सोच रहे कि भगवान ना आए, हमारा एग्जाम हो जाए, हमारा एग्जाम हो जाए। बोर्ड एग्जाम वाले को इस बार तो एग्जाम अभी भी हो रहा है, दो बोर्ड एग्जाम होगा। मेहम, बेडलम कैसे याद रखोगे, मम्मा बोलते हैं ये बेड पे सारा बुक्स, कुछ लोग होते हैं ना पढ़ेंगे कब कम, लेकिन बेड पे सारा बुक्स फैला के कंफ्यूजन क्रिएट करके रखेंगे, पढ़ेंगे पढ़ेंगे नहीं, बेड पे किताब वगैरह फैला के रखा हुआ है, पढ़ना वढ़ना है नहीं। पैंडिमोनियम बता दिया, डेमन राक्षस लोग अफरा तफरी आके मचा देते हैं। ओके, टॉपसी टर्वी, टॉपसी टर्वी कैसे याद रखोगे, कमोशन तो पता ही है, मोशन एक ही जगह बहुत, सब लोग का मोशन होने लगा, इधर से उधर मूव करने लगे, हल्ला बुलाओ, हल्ला वर्ड से याद रखो, हल्ला हंगामा होता है तो कंफ्यूजन होता है। राक्षस, रकस इज राक्षस, डोंट क्रिएट अ रकस, डोंट राक्षस की तरह कंफ्यूजन। अब दो वर्ड याद रखो, एक शैम्बल्स, शैम्बल कैसे याद रखोगे, शैम्बल को शाम, शाम के टाइम में ना कंफ्यूज रोड पे ज्यादा कंफ्यूजन दिखता है, शाम,
कंफ्यूजन, उथल पुथल शाम के समय ना, मार्केट वगैरह में भी भीड़ ज्यादा होती है और लोगों का कंफ्यूजन भी ज्यादा है, शाम को ट्रैफिक ज्यादा हो जाता है। और टॉपसी टर्वी कैसे याद करोगे? टॉपसी टर्वी, अच्छा एनसी, आपके एनसीईआरटी में पोयम था ना, बाकी बच्चों का? टॉपसी, टॉप से टर्वी तक डिस्टर्बेंस है, गैम्बल खेलते हुए बेचारा कंफ्यूजन में हो गया, टॉप पर जाकर, टॉपसी टॉप पे जाकर कंफ्यूज हो गया, उसका टॉक्सी बढ़ गया है। अच्छा टॉपसी, टैक्सी, टर्वी, टर्वी को याद रखो ना, करवी, टॉपसी टर्वी, करवी, कर्व है इधर उधर, कर्व में ऐसे 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 ऐसे, बहुत क्लियर नहीं था, कंफ्यूजन वाला रास्ता था, टॉपसी टर्वी लैंड, उसके टॉप पे टर्मेरिक गिर गया है। अच्छा जिगजैग कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा था, टॉपर्स में केओस है, इतने ज्यादा टॉपर्स बन गए हैं कि केओस हो गया है। टर्वी, टर्बुलेंस से याद करो, यहाँ भी टर्व वर्ड है। और ये तो ये हो गया है, देखो इसको खुद से प्रैक्टिस करना होगा, बार बार प्रैक्टिस करना होगा, तभी जाके रिवीजन होगा, तभी जाके चीजें याद रहेगी। तापसी पन्नू से याद कर लें, तापसी पन्नू कंफ्यूज है, अरे ये तो इजी है, ये तो इजी है, बार 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 इसको पढ़ना है, ऑटोप्सी आने के बाद लर्न करना है। प्रैक्टिस क्या करोगे? प्रैक्टिस तो मैं करवाऊंगी, पहले तो चीजों को लर्न करके रखोगे ना, लर्न करके रखोगे फिर प्रैक्टिस होगा, ताकि आपको बार बार लर्न करने की जरूरत ना पड़े, पहले तो लर्न करना हो। टॉपसी टर्वी, इसका मैं A4 डाल दूंगी, लेकिन A4 डाल दूंगी, पहले तो मुझे बताओ कि मैं जो वर्ड्स अलग से लिख रही हूँ, ओके एक्स्ट्रा जो एनोटेशन में डाल रही हूँ उसको लिख रहे हैं, मैं डाल दूंगी इसका A4 डाल दूंगी, लिख रहे हैं ना वो सब वर्ड्स, लिखते जाना है, लिखते जाना, इसका मैं डाल दूंगी। उथल पुथल, और ये तो शांति है, सीरीन है, पीस है, हार्मनी है, हारमोनियम से, हारमोनियम म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है ना, हारमोनियम बजाते हैं, एकदम सुरताल वाला म्यूजिक निकलता है हारमोनियम, पीसफुल। कल मैं सब डाल दूंगी, कल मैं शाम में फ्री रहूंगी, कल मेरी शाम में क्लास नहीं है ना, ओके इवनिंग में, तो कल मैं सब डाल दूंगी। सिरीन बताया था, सिरीन का मतलब, सिरीन, सिरीन का भी मतलब होता है एकदम सिरीन, शांत, प्लेसिड, प्लेसिड का मतलब भी है प्लैक, शांत, जैसे आप बोलते हो ना क्रिकेट कमेंटेटर्स बोलते हैं पिच, पिच इज वेरी प्लेसिड, पिच में बाउंस नहीं है, बॉल बहुत ज्यादा बॉल में उछाल नहीं आएगा, प्लेसिड है, प्लेसिबो इफेक्ट होता है, शांत करने के लिए मेडिकल ट्रीटमेंट दिया जाता है। ट्रैंक्विल अभी बताया, काम बताया, क्वाइटिट्यूड मतलब क्वाइट, शांत, ए सिरी कॉल ममा वाला, प्रोपिशिएट करने, चलो तो ये तो हो गया, ठीक है अब हम नए वर्ड पे चलते हैं, ये हमारे, हाँ ये देख लो एक बार, ये देख लो कंफ्यूजन का सिनोनिम्स देख लो, ये तो भर भर के आएगा, इसको एकदम रट लेना, भर भर के आएगा, कोई ऐसा नहीं है ना जो इम्पोर्टेंट नहीं है। टायरो, टायरो, टायरो का मतलब पूछ रहे हैं, ट्राई करते रहो बिकॉज यू आर अ न्यूबी, आप अभी इनएक्सपीरियंस्ड हो, अप्रेंटिस हो, ग्रीन हॉर्न हो, अ पर्सन इज इमेच्योर एंड इनएक्सपीरियंस्ड, वेट बिहाइंड द ईयर्स, वेट बिहाइंड द ईयर्स में ध्यान रखना है कि वो भी पर्सन इनएक्सपीरियंस्ड है लेकिन अभी यंग है, ठीक है, वेट बिहाइंड द ईयर्स है ना, कभी कभी तो ओल्ड एज में भी, ओल्ड एज में भी लोग इनएक्सपीरियंस्ड ही रह जाते हैं, बट वेट बिहाइंड द ईयर्स वाला जो आज करवाया था उसमें यंग भी है और इनएक्सपीरियंस भी। तो व्हेन आई वेंट टू हिज हाउस, उसका घर सिक्सेस और सेवेंस में था, कहीं छे था कहीं सेवन था, कुल मिला के 13 था, उसका घर सिक्सेस एंड सेवेंस में था, इसको तो एकदम याद कर लेना, एट वंस विट्स एंड, इसको एकदम याद कर लेना, एट वंस विट्स एंड का मतलब भी होता है कंफ्यूजन में रहना, एट अ लॉस, लॉस हो गया बेचारा कंफ्यूजन में था, फिक्स एक ही जगह फिक्स हो गया, मतलब एक ही जगह चिपक कर खड़ा रह गया, बेचारे को समझ में नहीं क्या है क्या करना था। एट सी, समुद्र के बीच में जाओगे, दुविधा में पड़ जाओगे ना, कंफ्यूजन में, समुद्र के बीच में जाके डर लगने लगता है, डिलेमा में होना, कैच 22 सिचुएशन, पहले मुर्गी आए पहले अंडा आया, एक कंफ्यूजन वाला सिचुएशन है। फ्लटर करना भी कंफ्यूजन में रहना। अल्फाबेट, अगर मैंने सूप बनाकर उसमें ABCD डाल दिया, सब कंफ्यूज करने वाला, और बोला कि इसमें से ABCD निकालो सूप से, अल्फाबेट सूप का मतलब भी कंफ्यूजन होता है। अल्फाबेट सूप मिक्सड अप, सब चीज एक साथ मिक्सड अप हो गया, कंफ्यूजन हो गया। चलो हम नए वर्ड्स पे चलते हैं। यस, अ डॉग्स ब्रेकफास्ट, वेरी गुड, चीजों को याद रखा है, अ डॉग्स ब्रेकफास्ट, डॉग्स ब्रेकफास्ट का मतलब है कोई भी चीज, डॉग को ब्रेकफास्ट दोगे ना बहुत फैला के बिखेर के खाएगा, कंफ्यूजन, कंफ्यूजन, वेरी गुड, ऑल मेस्ड अप है, सारा चीज मेस्ड अप है।
बिटवीन द डेविल, बिटवीन द डेविल एंड द डीप सी, ये भी है कंफ्यूजन। अरे आराम से खाता है, वैसे याद कर लो ना डॉग का ब्रेकफास्ट कभी कभी आप, वो तो घर वाला डॉग है ना, आप देखते हो जो स्ट्रीट वाले डॉग होते हैं ना, उसको ऐसे लोग फेंक के दे देते हैं, ओके उनका ब्रेकफास्ट वगैरह ना, वो तो घर वाले डॉग को अच्छे से उनका होता है खाने वगैरह का, जो बाहर वाले स्ट्रीट वगैरह होते कहीं भी कुछ भी दे देते हैं। गलत बात है, कभी भी डॉग को वैसे नहीं देना चाहिए। यू आर राइट, यू आर राइट। ये अन अकेडमी पे नहीं आएगा, आई सॉरी, ये सीजीएल में नहीं आएगा, ये अन अकेडमी से पूछना, आइकॉनिक और नॉर्मल प्लस वाले स्टूडेंट में क्या डिफरेंस, क्योंकि मुझे तो कोई डिफरेंस नहीं दिखता है, वो एसएससी में नहीं आएगा, मैं नहीं पढ़ाऊंगी इसको डिफरेंस, आप अन अकेडमी से पूछना। फिल्म फिल्म मूवी देखने जाते हो तो सीट्स भी अलग अलग बनता है ना, इकोनॉमी क्लास, बिजनेस क्लास, वही सब है। नहीं, एसएससी में भी आइकॉनिक, आइकॉनिक है ना आफ्टरनून वाले बैच में, डिस्काउंट का डिफरेंस है। और ये तो हल्ला हल्ला वल्ला है, ओके, और ये है क्या कंफ्यूजन वाला है, और ये तो बहुत सब चीज आराम से साइलेंस। ऑलिव ब्रांच देना मतलब शांति का प्रतीक। स्पिक एंड स्पैन, स्पिक एंड स्पैन का मतलब है समथिंग विच इज वेरी नीट एंड टाइडी, बहुत ऑर्डरली वे में। एप्पल पाई ऑर्डर, एप्पल पाई ऑर्डर का मतलब है कोई भी चीज बहुत सिस्टमेटिक हो, बहुत सिस्टमेटिक। ऑलिव ऑयल भी होता है, नया वाला। इसी नो, इसी नो, ग्रम्बल, ग्रम्बल करना ना, कंप्लेनिंग मूड में होना। और ये ग्रम्बल ना, इसका मैंने आपके इस बार का मैंने सीएचएसएल देखा, उसमें दोनों वे में आया। एक ग्रम्बल करना मतलब क्राई, रोना, बट कैसा वाला रोना, रोना कंप्लेन करते हुए, एकदम शिकायत मूड में होते हो ना आप, ग्रम्बल करते हो एकदम कंप्लेन करते हुए, मतलब आप सिसक रहे हो, रो रहे हो और कंप्लेनिंग मूड में, बड़बड़ाना कुछ, कंप्लेनिंग मूड में, हाँ सिसक सिसक के। ग्रोन, ग्रोन वर्ड आया था, और आपका आपका वाइन वर्ड आया सीपी सीएचएसएल में, ये सब वर्ड याद रखना। वाइन वर्ड ये भी आया है, ये भी किसी सेट में आया है, रिपाइन, ग्राइप, और मैंने आपको पढ़ाया था जब मैं आपको सीएचएसएल का पेपर करवा रही थी ना, तो उसमें मैंने आपको ग्राइप पढ़ाया था, और ऐसा पढ़ाया था एक बच्चों का ना ग्राइप वाटर आता है, ऐसा कुछ बताया था, बच्चे जब कंप्लेन करने लगते हैं, ग्राइप वाटर, जब बच्चे रोते हैं ना, मीठा मीठा होता है बूढ़े लोग ग्राइप वाटर, जब बच्चों बच्चों की दांत आने वाली होती है ना, जब बच्चे दांत आती है तो वो बहुत रोने लगते हैं, तो उन्हें ग्राइप वाटर दिया जाता है शांत करने के लिए, तो ग्राइप का मतलब भी होता है रोना, ग्राइप वाटर के लिए रोना है, जन्म घुट्टी टाइप होता है, ब्लू और व्हाइट कलर का कुछ होता है। चलो अब हम याद करेंगे, ये सब वर्ड को याद करना बहुत जरूरी है। ग्राउची, ग्राउची लोग हमेशा जो चिड़चिड़े होते हैं, कंप्लेन करते रहते हैं, चलो तो अब इस सब वर्ड्स को बहुत अच्छे से याद करना है, ये सब वर्ड सारे आ गए हैं, कैसे याद करोगे? ग्रोन, ग्रोन का मतलब भी होता है क्राई, रोना, कंप्लेन करना, कैसे याद करो? रोन, रो, रोन को रो रहा है, कंप्लेन कर रहा है, कंप्लेनिंग मूड में रो रहा है, रोना रोना, हाँ ऐसे याद करो, रोन से रोना, और मोन से मोना, मोना है, मोना रो रही है। मौन करना, मौन करना का मतलब भी एकदम क्राई करना, मौन कर रहे हो एकदम दुख में, लमेंट कर रहे हो, अफसोस में विलाप करना, विलाप करना, ग्रोन, मौन, क्राई फॉर मून, अच्छा मून के लिए रो रहा है, मून के लिए कि मुझे चांद चाहिए, चांद चाहिए, ठीक है। वाइन, वाइन ये तो कर लोगे, वाइन, ग्रैनी, अच्छा उसकी ग्रैनी मर गई तो रो, वाइन, वाइन के लिए रो रहा है, हाँ ये जो वाइन के शौकीन लोग होते हैं ना, इसको वाइन नहीं दोगे तो रो रो के ये पागल हो जाएगा, रो रो के पागल हो जाएगा, वाइन शराब के लिए। विम्पर, ये तो बहुत अच्छा वर्ड है, गम में वाइन पी पी कर रो रहा है। विप, विप उसको पिटाई पड़ी, विप पड़ी तो रो रहा है, विम्सिकल है, रोता रहता है, विम्सिकल है, हाँ कभी ये कभी वो, कोई फिक्स्ड ओपिनियन नहीं है, पूरे समय रोता रहता है, विम है, विस्मी है, वेम्पायर को देख के, अच्छा वेम्पायर को देख के रो रहा है। वेल, एक तो हमने उस दिन किया था फ्लेल, फ्लेल किया था ना, फ्लेल का मतलब क्या है? फेल, फेल, फेल होने के बाद उसकी बहुत पिटाई हुई, फेल होने के बाद, पिटाई होने के बाद वेल करने लगा, रोने लगा, रोने लगा, फेल होने के बाद रोने लगा। क्राई और वीप और पता है, सॉप का मतलब है सिसकना, सिसकना, ठीक है। बेल हो गई, अच्छा बेल हो गई तो रोने लगा, कंप्लेन करना। रिपाइन कैसे याद रखोगे? सब वर्ड्स थोड़ा सा डिफिकल्ट है, कंफ्यूज करने वाला। रिपाइन,
सौबे, सौब फाइन, रिपाइन है, पाइन के लिए, ये पाइन क्या है, पाइन के लिए, फाइन नहीं है, रिपाइन है, फाइन नहीं है, कंप्लेन कर रहा है, पाइन एप्पल के लिए। अगर राइट वाटर बता दिया कार्प, किसी को कार्प करना ना हमेशा दूसरे पे, दे कार्प ऑन मतलब रिपेयर, आर आई क्या है, आर आई रिप, अच्छा आर आई, हाँ ये भी कर सकते हो, आर आई पी, ये भी अच्छा है, ग्राइट वाटर छोड़ो, ये याद रखो, आर आई पी, आर आई पी हम उसी के लिए बोलते हैं ना जिसकी डेथ हो गई, आर आई पी में चला गया, सब लोग रो रहे थे, कार नहीं मिला, रो रहा था, ग्राउची तो बताया है, चिड़चिड़ा है। हाँ अब गुण ढूंढना हमेशा किसी पे नहीं, वो तो कार्प ऑन, वो तो फ्रेजल वर्ब हो गया, ठीक है, वो तो फ्रेजल वर्ब हो गया कार्प ऑन करना, बट ये सिर्फ वर्ब है, फ्रेजल वर्ब नहीं है ये वर्ब। चलो एक बार अच्छे से, एक बार और अच्छे से याद रखना, लैक्रिमोज का मतलब होता है रोना, आंसू, सैड होना, रोना नहीं, सैड होना, लैक्रिमोज तो सैड है, वो तो एडजेक्टिव। चलो एक बार आप मुझे अच्छे से बताओ ताकि याद हो जाए यहीं पे, ग्रोन, ग्रोन में रोन, आर ओ ए एन, रोन, रोन मतलब रोना, रो रहा था, ग्रोन कर रहा था, रो रहा था, रो रो कर कंप्लेन करते हैं बच्चे। मून, 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 मून या मून, मून के लिए रो रहा था, मून चाहिए, मून के लिए कंप्लेन कर रहा, ही इज क्राइंग फॉर मून, चांद चाहिए। और वाइन, जब लोगों को वाइन नहीं मिलती है ना, जो ड्रंकेड लोग होते हैं, रोना शुरू कर देते हैं वाइन के लिए। और विम्पर, विम्पर कैसे किया था, वेम्पायर को देखना, वेम्पायर याद होगा ना, विप, उसकी पिटाई हुई तो रोने लगा, फ्लेल बताया, वेल, वेल करना मतलब भी रोना, वीप कर रहा था वेम्पायर को देख के, विम्पर इज विम्सिकल से कर रहे हो, विम्सिकल लोग अनस्टेबल होते हैं, तुरंत तुरंत आप अपना ओपिनियंस बदलते रहते हैं, हर लोग कुछ ना कुछ कंप्लेन होता है। हैम्पर के लिए रो रहा था, अच्छा विम्पर, विम्पर इज हैम्पर, हैम्पर मतलब गिफ्ट के लिए रो रहा था, फेल हो गया तो रो रहा था, क्राई वीप सब तो पता, कंप्लेन, रिपाइन, रिपाइन पाइनएप्पल के लिए रो रहा था। अच्छा एग्जाम में याद रखना होगा कुछ कुछ वर्ड ना, एग्जाम में देखते साथ क्लिक हो जाता है, तो ऐसा कुछ बनाओ ना, पीने के लिए रो रहा था रिपाइन, पिन चुभ गया, अच्छा रिपाइन, उसको पिन चुभ गया, रो रहा था। और आर आई पी, रेस्ट इन पीस, जो लोग पीस हो जाते हैं, कार, कार के लिए रो रहा था, ग्राउच तो बताया, चिड़चिड़े लोग, जेल हो गया था तो रो रहा था, और ये तो रोना है, रोना है, कंप्लेन करना है। और कुछ लोग होते हैं जो खुशी मनाते हैं, खुशी मनाते हैं, इस बार खुशी मनाने का बहुत बार ये वर्ड आया है, ठीक है, ये वर्ड आया है, ये भी वर्ड आया है। सबसे पहले तो कंफ्यूज मत होना, ये रेबेल है, रेबेल, रेबेल, ये रेबेल का मतलब होता है विद्रोही, जो विद्रोही लोग होते हैं ना उसी से रेबिलियन बना है, विद्रोह, विद्रोह बना है, वो तो अलग, ये रेबेल, रेबेल करना मतलब खुशी मनाना, डिलाइट, रिजॉयस, जॉय, चेरिश, चेरिश का मतलब इंजॉय करना, चेरी, इंजॉय करना, सेलिब्रेट करना, रेबेल वर्ड याद रखना, रेबेल, रेबेल, लेवल बढ़ गया है, खुशी मना रहे हैं, लेवल बढ़ जाता है ना, आप अभी फोर्थ लेवल पे हो रेवल, फिर आपका लेवल बढ़ जाएगा, आप थर्ड पे आ जाओगे, सेकंड पे आ जाओगे, लेवल बढ़ते जाता है तो खुशी होने लगती है। कराउस, मैंने कैसे कराउस कभी पढ़ाया भी होगा तो उसमें बताया था, क्रिसमस में, क्रिसमस कैरोल, कैरोल इज कराउस, कैरोल्स क्या होता है, क्रिसमस सिंग मतलब गाना, सॉन्ग्स, रिलीजियस सॉन्ग्स होते हैं, तो क्रिसमस में क्रिसमस कैरोल्स गा के क्या करते हैं, खुशी मनाते हैं, सेलिब्रेट करते हैं, सेलिब्रेट। और रेलिश कैसे याद करो, रेलिश और चेरिश, चेरिश और रेलिश, इसका मतलब है सेलिब्रेट करना, किसी चीज में दुखी नहीं होना। कुछ लोग दिन भर कंप्लेन करते हैं, कुछ लोग खुशी मनाते हैं छोटी छोटी चीजों को। चेरी ब्लॉसम, अच्छा चेरी, चेरी ब्लॉसम पॉलिश है ना ये तो, चेरी, चेरी खा खा कर खुशी मना रहे हैं, केक में चेरीज वगैरह डालकर, न्यू कार इन हाउस, रेलिश, चेरी ब्लॉसम इज अ, हाँ रिलीफ, रिलीफ मिल गया, खुश हो गया, मणिपुर, अच्छा मणिपुर फेस्ट, चेरी ब्लॉसम, ओके अच्छा फेस्टिवल भी है, फेस्टिवल भी है, ओके तो बहुत अच्छा है, पहली बार सुना है तो याद रहेगा, चेरी ब्लॉसम, चेरी ब्लॉसम नॉर्थ ईस्ट का फेस्टिवल है, लोग सेलिब्रेट करते हैं, वेरी गुड, आज नया चीज सीखा मैंने आप लोगों से। और रिलीश, अच्छा रील बना बनाकर, रील रील बना बनाकर खुशी मनाते हैं, रिलीश, रिलीश, रील, रिलीफ मिला है, उसको रिलीफ मिला तो बेचारा खुशी मना रहा है, सेलिब्रेट कर रहा है, इंस्टाग्राम रील बना बना कर खुश होते हैं। खुशी मनाना, रेबेल वर्ड याद रखना, रेबेल, ठीक है, सेलिब्रेट, सेवर, सेवर करना मतलब इंजॉय करना, और किसको, किसको इंजॉय करते हो, कहा किसी फूड वगैरह, बहुत टेस्टी फूड वगैरह को सेवर कर रहे हो, अपने फूड को इंजॉय कर रहे हो, रेबेल, बेल बजा बजा, रेबेल, बेल, बेल बजा बजा कर इंजॉय कर रहे हो, प्लीज कॉल मी।
ये सेवर वर्ड आपको रूट वर्ड में करवाऊंगी, स्पेलिंग दोनों है सेवर। वोर का मतलब होता है खाने पीने से, जैसे कार्निवोरस जो फ्लैश खाते हैं, ओमनीवोरस जो दोनों खाते हैं, हर्बीवोरस जो सिर्फ ग्रीन प्लांट्स खाते हैं। तो वोर खाने पीने से, अपने खाने को एंजॉय करना। अब वैलो वर्ड कैसे याद रखोगे? वैलो अच्छा, रेवेल और ईव। ईव ईव का मतलब है पूर्व संध्या, जैसे क्रिसमस ईव, न्यू ईयर ईव। सही बोल रहे, टाइम हो गया, टाइम बता रहे हैं। रेवेल याद रखना, ठीक है। उन्होंने बोला मैम ईव डाल दीजिए, ईव। ऑन द ईव ऑफ न्यू ईयर, न्यू ईयर का ईव क्या होता है? 31 दिसंबर। और 31 दिसंबर को सब लोग सेलिब्रेट करते हैं, सेलिब्रेट करते हैं। ईव बर्थडे में भी ईव होता है एक दिन पहले। गुड गुड, बर्थडे ईव भी होता है, हैप्पी न्यू ईयर वाला भी होता है। बहुत टाइम है। वैलो को कैसे याद रखोगे? अच्छा, एक दिन मैंने आपको वैलोप भी करवाया था, इसलिए कंफ्यूज मत होना। वैलो और वैलप, वॉल पे, दीवार, दीवार पे सिर पटक पटक के हिट कर रहा था, हिट हिट। और वैलो, वैलो मतलब अलाउ। अगर फादर ने पिकनिक पे जाने का अलाउ कर दिया, मूवी देखने का अलाउ कर दिया, क्रिसमस सेलिब्रेशन अलाउ कर दिया, अलाउ कर दिया, बेचारा खुश हो गया, सेलिब्रेट करेगा, अलाउ कर दिया, सेलिब्रेट करेगा, खुशी मनाना, खुशी मनाना, वल्ले वल्ले कर रहे हैं। और खुशी मनाने का देखो, इसका सिनोनिम्स भी कर लेते हैं। ऑन क्लाउड नाइन, ये तो आज क्लाउड नाइन पे है। हम लोग के हिंदी में सातवें आसमान है, इंग्लिश में क्लाउड नाइन। ही इज ऑन द टॉप ऑफ द वर्ल्ड। अब देखो एक सातवां आसमान भी है, ओवर द मून, चांद के ऊपर है। वो पिटअप ये एग्जाम में आया है, ये मेंस एग्जाम में है वो। और मैंने आपको बताया था वो कब बोलते हो? बोलते हो ना जब वो करते हो, जब कोई चीज सेलिब्रेट करते हो, सेलिब्रेट करते हो, हुर्रे, और वो करते हो सेलिब्रेट। तो ये तो हैप्पीनेस हो गया। चलो अब कल करेंगे, ओके। अब ये कल हम लोग ये सब वर्ड करेंगे, कंफ्यूट वाला, ये जो अभी मेन मेन वर्ड्स आपके रिसेंट एग्जाम्स के, कंफ्यूट करना, मना करना, क्योंकि कई बच्चे कंफ्यूट को एग्जाम में कंफ्यूज करके आ गए थे, वो तो अलग है, ये अलग, कल कर लेंगे, ओके। चलो थैंक यू एवरीवन एंड हैप्पी वीकेंड। अब 2 दिन की छुट्टी है, 2 दिन की छुट्टी। अब हमारी, अब हम लोग कब मिलेंगे? कल 11:15 से, छोटा सा है, 11:15 से 11:59 में एक स्पेशल क्लास। फिर 12 बजे से तो आपकी PQRS और उसकी क्लास है, क्लोज टेस्ट पैसेज की। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको रिमाइंड कर देना है कि 8 बजे हमें संडे को 8 बजे मिलना है, जिसका भी, हाँ, संडे को 8 बजे मेंस का मॉक है, मेंस का मॉक है। और जिसका भी एग्जाम है IBPS और वो सबका, उसको एकदम बेस्ट ऑफ लक, अच्छे से जाके एग्जाम दीजिए, जस्ट नेल इट, रॉक इट। चलो जय हिंद।